चौथे दिन चौथा सर्कल मैच और कार्यक्रम की शुरुआत सूर्य भगवान के नाम से करेंगे। आप सब लोग हमारे पीछे भगवान के सुंदर नामों से भरपूर कीर्तन में सहयोग दीजिए। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव Oh,
Thank you.
शील प्रभुपाद की जय। राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। निताय गोप मनंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा। तो आप सबका फिर से एक बार स्वागत है श्रीमद् भागवतम कथा में। स्थान है भोरगढ़ और हम लोग पिछले 3 दिन से भागवतम के मुख्य किरदारों पर यही कहें फिलोसफिकल पॉइंट्स पर डिस्कशन करते आ रहे हैं। हम लोगों ने कल पंचम स्कंद भागवतम का, जो कि स्थानम के लिए जाना जाता है, और इसमें भी भगवान के द्वारा जो प्रजापति हैं तो विसर्ग की चर्चा हुई है। ब्रह्मा जी के पुत्र शंभु मनु उनके द्वारा प्रजापतियों का उत्पन्न होना, राजा प्रियव्रत उत्तानपाद आकुति प्रसूति देहूति शंभु मनु के वंशावली का वर्णन चल रहा है। और पंचम स्कंद में जैसे हमने बताया था कि जैसे 10 विषय हैं श्रीमद् भागवतम के, अत्र सर्ग विसर्गश्च, तो सर्ग हुआ द प्राइमरी क्रिएशन, भगवान के द्वारा की जाने वाली पहली क्रिएशन। विसर्ग का मतलब हुआ ब्रह्मा जी इत्यादि के द्वारा आगे क्रिएशन करना। तो हम कह सकते हैं हम सब लोग ब्रह्मा जी के द्वारा ही, प्रजापतियों के द्वारा ही उत्पन्न है, तो विसर्ग हम भी हो गए ना। फिर है स्थानम पोषणम ऊतया। स्थानम का मतलब हुआ पहली क्रिएशन हो गई, सेकेंडरी क्रिएशन हो गई, अभी जीवात्माएं सब आ गई, हम सब लोग आ गए, अब इनको कहां पर स्थान दिया जाए, कौन से, क्योंकि हमारा जो ये प्लैनेटरी सिस्टम है जिसे एक ब्रह्मांड कहते हैं, तो इस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं मुख्यतः। पृथ्वी के ऊपर हैं 6 लोक और पृथ्वी के नीचे हैं 7 लोक। इन शास्त्रों को पढ़ पढ़ कर कई बार साइंटिस्ट लोग कोशिश करते हैं जमीन के नीचे खुदाई करने की, या फिर अपने रॉकेट से ऊपर जाने की कि शायद किसी प्लेनेट में हम भी पहुंच जाएं। आए दिन किसी न किसी ग्रह में उतरते रहते हैं और उनका मानना है कि हम लोग उन ग्रहों में पहुंच गए हैं और अब उन ग्रहों में जीवन ढूंढ रहे हैं। क्या कारण है जीवन ढूंढने का भाई? तुम्हें यहां जीवन नहीं मिल रहा क्या? ये पृथ्वी क्या भर गई है लोगों से? यहां पर प्लॉट नहीं बिक रहे क्या? अभी
लेकिन जो व्यक्ति का लालच है उसे चाहिए, कहते ये दिल मांगे मोर, हमें और चाहिए, इस प्लेनेट की जगह दूसरे प्लेनेट पर, हम चंद्रमा में जाएंगे, चंद्रमा में जाएंगे। अब गए या नहीं गए इसको लेकर भ्रम बना रहता है। बहुत से लोग कहते हैं गए हैं, बहुत से साइंटिस्ट कहते हैं नहीं, इट वॉज फेक, स्टूडियो मेड वीडियोस एंड फोटोग्राफ्स। कहते चांद में हवा नहीं है, लेकिन जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो लोग जो झंडा लगा रहे हैं यूएस का, तो वो झंडा हवा में हिल रहा है ऐसे। तो चांद हवा नहीं है तो हवा में कैसे उड़ रहा है भाई। और फिर चंद्रमा पे जो उनकी फोटोग्राफ्स ली, जब उनकी परछाइयां आई तो उसको लेकर भी बड़ी कंफ्यूजन्स हैं। चंद्रमा जो अपने आप में प्रकाशवान है, तो उस पर इधर उधर से लाइट कहां से आ रही है, जो तीन तीन जगह जा जाए। मान लीजिए पहुंच भी गए, वैसे तो इतना समय हो गया, अगर कहते हैं आज 50 साल हो गए इनको बोलते हम चले गए चंद्रमा, 60 साल में ये लोग इतना एडवांस नहीं कर पाए कि जिस जगह पर तुम हो आए अब कम से कम प्लॉट व्लॉट काट लेते वहां पर। 60 साल लग गए दोबारा जाने में, ऐसा क्यों? कितनी हैरतअंगेज करने वाली बात है कि जहां पर तुम्हारी 50-60 साल पुरानी टेक्नोलॉजी के बेस पर आप चांद पर हुआ है, और अब तो इतनी हाई क्लास टेक्नोलॉजी है, तो 60 साल और क्यों लग गए दोबारा जाने में? कहीं ने सुना होगा, कहीं तो प्लॉट भी काट रहे हैं वहां पर, हम भी काट रहे हैं। तो जिसको अगर चंद्रमा पे प्लॉट चाहिए हो तो हम लोग उसको जो है 10,000 रुपया गज के हिसाब से चंद्रमा पे प्लॉट देंगे। तो आप सब लोग हमसे रजिस्टर कर सकते हैं, पेमेंट एडवांस देनी होगी, और जब कभी वहां पर एरोप्लेन स्टार्ट होंगे जाना तो आपके नाम की रजिस्ट्री करके आपको दे देंगे। जिसके नाम की रजिस्ट्री होगी, अगर वो जीवित रहा तो देंगे, अगर वो मर गया तो पैसा फॉरफिट है, जब्त हो जाएगा। तो कितने लोगों को चाहिए? वहां बाहर रिसेप्शन पे लोग खड़े हैं कागज पेन लेकर, तो जरूर मिलेगा। हम होंगे काम याद एक दिन। तो इस तरह से एक ही ब्रह्मांड के अंदर बहुत से प्लैनेट्स, तो उसका वर्णन अभी आगे आएगा। स्थानम, पृथ्वी के ऊपर भी लोग हैं, पृथ्वी के नीचे भी लोग हैं। तो जब उत्तानपाद के विषय में सुना, आपूति प्रसूति और देहूति के बारे में सुना, तो प्रश्न आया प्रियव्रत एक और पुत्र था जी, उनके बारे में भी बताओ। तो उनके बारे में पता चलता है कि वो तो जंगलों में भक्ति कर रहे थे। नारद जी ने उनको बुलाया, ब्रह्मा जी ने बुलाया कि भाई सुनो, ऐसा है तुम ये भक्ति भक्ति छोड़ो, तुम गृहस्थ में रहकर भक्ति करो, राजपाट संभालो, क्योंकि हमें आरएमएस को ऐसे राजा भी नहीं है प्रजापति भी नहीं जो आगे संसार बढ़ाए। तो फिर उन्होंने ऐसे ही किया, और फिर उनके कई पुत्र हुए, उन्होंने पूरे संसार को 9 भागों में, 7 द्वीपों में भी आगे जाके, हम 7 कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं ना, 7 उपमहाद्वीप कहते हैं इसको। तो इसका विभाजन किसने किया? ये भागवतम में लिखा है प्रियव्रत के ही वंशजों ने, उन्हीं को ये सब सौंपा गया और 7 महाद्वीप भारतवर्ष में बनाए गए, और वो उसके एक एक राजा बने। और फिर
इन जब जम्बू द्वीप जो था, मुख्यतः जम्बू द्वीप बहुत विशाल है, और वहां पर उसको जो है संपूर्ण स्थान को 9 भागों में बांटा गया था। जैसे एक है ईलावृत वर्ष, वहां भगवान शिव ही पुरुष है, शिव के अलावा वहां कोई नहीं है, दूसरा आदमी नहीं मिलेगा। ईलावृत वर्ष, ये लोग हमें अभी नहीं दिखाई देंगे, और इन मटेरियल आई से हम बहुत कुछ नहीं देख सकते, क्योंकि वहां पर दुर्गा नहीं चाहती कि कोई भी व्यक्ति उनके पति के अलावा दिखे। और अगर कोई स्थान पर पहुंच जाता है पुरुष, तो तत्क्षण वो स्त्री बन जाता है। मतलब पुरुष गया, लेकिन एंटर करते ही वो क्या बन गया? स्त्री बन गया। ऐसा जो है दुर्गा जी ने बोल रखा है, कोई नहीं आ सकता। सारी दासियां, सहस्त्रों दासियां जो है वहां मिलेंगी, देवियां वहां मिलेंगी, शिव की प्रसन्नता के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए। और दासियों से घिरे शिव किसकी भक्ति करते हैं, वहां किस पर ध्यान लगाते हैं? संकर्षण पर। भगवान संकर्षण जो बलराम जी की एक्सटेंशन है, जिनके हजारों सहस्त्र फन है अनंत शेष, और उसके ऊपर ही सारे ब्रह्मांड फ्लोट कर रहे हैं, उन पर ध्यान लगाते शिव। और जब इस सृष्टि में प्रलय लानी होती है, तो अनंत शेष को गुस्सा चढ़ता है कि यह सृष्टि इसलिए निर्माण की गई थी कि लोग यहां आए, धर्म अर्थ काम मोक्ष के पुरुषार्थों को प्राप्त करें, भगवान की भक्ति करें और यहां से निकले। जब वो देखते हैं कि ये लोग अपने कामों में लगे हुए हैं, अपने में मस्त हैं, भोगों में लगे हुए हैं, तो शेष को गुस्सा चढ़ता है, और उसके बाद प्रलय शुरू होती है, उनके फनों से अग्नि निकलना शुरू होती है, और उनकी भ्रिकुटी से, संकर्षण की भ्रिकुटी से, क्रोध से शिव उत्पन्न होते हैं, रुद्र रूपी 3 आंखों वाले, और फिर नृत्य करते हैं, तांडव जिसे बोलते हैं, जो प्रलय के समय डांस करना होता है, और पूरी पृथ्वी को फिर प्रलय में झोंक देते हैं। ऐसे ही एक है भद्राश्व वर्ष, जहां धर्मराज के पुत्र भद्र शवा रहते हैं, अपने पार्षदों के साथ भगवान हरि शेष की आराधना करते हैं। और रसातल में जब राक्षस सारे वेद चुरा के भागता है, तो ये जो है हरि शेष हयग्रीव के रूप में अवतरित होते हैं, और उसका वध करके सारे वेदों को वापस लेते हैं और ब्रह्मा जी को वापस सौंप देते हैं। इसकी कथा आगे आती है कि कई बार ब्रह्मा जी को झपकी आ जाती है समय से पहले, तो जैसे ही वो सोते हैं, तो ये असुर जो हैं, वो सारे के सारे वेद चुरा लेता है। तो हयग्रीव का रूप लेकर भगवान आते हैं, उसको मारकर सारे वेद वापस ब्रह्मा जी को देखते हैं, उठाते हैं, भाई साहब उठो, वेद ले गए थे तुम्हारे सारे। इसी तरह हरि वर्ष है, जैसे 9 वर्ष है ना, उसमें एक भारत वर्ष भी है, तो जम्मू द्वीप के 9 वर्षों में तीसरा वर्ष है हरि वर्ष। यहां प्रहलाद महाराज रहते हैं अपने संगियों, निवासियों और मित्रों के साथ, और उनके ईष्ट हैं भगवान नरसिंहदेव। बोलो नरसिंहदेव भगवान की जय। उनकी पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, और उन्हीं के साथ रहते हैं।
तो इस तरह से कई वर्ष हैं। इसके अलावा अतल वितल सुतल तलातल वसातल महातल पताल नीचे के लोगों का भी वर्णन होता है और बताया जाता है इसको बिल स्वर कहते हैं। बिल जैसे सांप का बिल होता ना नीचे गहरा, तो नीचे के लोगों को बिल स्वर्ग कहा गया है। क्यों कहा गया? स्वर्ग क्यों लगाया? क्योंकि ऊपर के जो स्वर्ग है पृथ्वी के ऊपर वाले स्वर्ग, इसमें जो ऑपुलेंस है जो ऐश्वर्य है उससे कहीं गुना ज्यादा नीचे है पृथ्वी के नीचे वाले लोगों में। और वहां पर नाग है, मणियों वाले नाग, लेकिन उनका रूप है मुंह चलती साथ में नाग है। तो अलग अलग जीवन है नीचे। और फिर बताया गया कि सबसे नीचे जो पाताल लोक है उसके दक्षिणार्थ में 84 लाख प्रकार के नरक हैं। कितने प्रकार के? 84 लाख प्रकार के। और जैसे 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, 84 लाख प्रकार के नरक में। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं मैं तुम्हें सबका तो नहीं बताऊंगा, मुख्य मुख्य का बता देता हूं। मुख्य 28 नरकों का वर्णन मैं करने जा रहा हूं। सुनना चाहेंगे नरकों का वर्णन? कलयुग के लोगों को जरूर सुनना चाहिए भाई, जहां जाना है उसका पता तो होना चाहिए। कलयुगी लोगों के ऊपर इतना प्रभाव है कलयुग का, जो 4 स्थान मांगे थे मांस भक्षण, तो कलयुग के लोग 70-80% लोग मांस भक्षण करते हैं। तो जानना चाहिए उनको, कहां जाना है उनको आते ही। नशा कर हम धर्म के दूसरे स्तंभ को तोड़ते हैं तो नशे वाले भी उधर ही जाएंगे। व्यभिचार करने वाले, पर स्त्री पर पुरुष जवन विवाह के अतिरिक्त संबंध बनाने वाले, ये तो आजकल ट्रेंड है। फ्रांस का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा आज से 6-7 साल पहले की बात, तो वहां पर डाइवोर्स रेट अचानक बढ़ गया। तो जब सर्वे किया गया उनका, पूछा गया, तो रीजन आया कि जब से ये व्हाट्सएप आया है तब से लोगों के पुराने मित्र पुराने फ्रेंड्स सब जाग गए, डीपी शिपी दिखने लगे। और लेडीज का ही इंटरव्यू लिया गया था डाइवोर्स लेडीज का, तो उन्होंने बोला कि जब से व्हाट्सएप आया है तब से हमारे 4-4, 5-5 मित्र हो गए। और ये जब पति को पता चला तो उसकी वजह से हमारा डाइवोर्स हुआ, अब हम तीसरे के साथ रहते हैं। उसको पता चला मेरे और भी किसी के साथ चल रहा, उसने छोड़ दिया, तो मैं दूसरे के साथ रहती हूँ। क्या कल्चर है कुत्ते बिल्लियों वाला ना? पशुओं के जीवन में विवाह रस्में नहीं होती, वहां तुम्हें भूख लगी खाना खा लो, इंद्र तृप्ति की भावना आई इंद्र तृप्ति कर लो, जो सामने आया नो प्रॉब्लम। इसे बोलते कुत्ते बिल्लियों का जीवन। और जब समाज में इस प्रकार के पढ़े लिखे दो पैर वाले कुत्ते बिल्लियों की संख्या बढ़ती है तो ये लोग इसको नियम बना देते हैं। सरकार उनके वोट लेने के लिए सिर्फ वो काम करती है जिसकी वजह से वो मस्त रहे और हमारी सरकार बची रहे। तो समाज में अगर आप सब एक आवाज में बोलोगे कि हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे 10 साल की उम्र से शराब पीना उनको लीगल किया जाए, 10 साल की उम्र से उनको सिगरेट गांजा चरस पीना अलाउ किया जाए, अगर आप सारे यूनाइटेडली जाओगे अपने काउंसलर के पास एमएलए के पास और ये बोलोगे हम वोट आप ही को देंगे तो नियम लाने में मदद करेगा कि नहीं? चाहे वो अधर्म है
लेकिन अधर्म का ही पालन किया जाएगा। इसी समाज से, कुत्ते बिल्लियों के समाज से, कुत्ते बिल्ली में इसलिए बोल रहा हूं, जिनका दीन ईमान नहीं है, जो व्यभिचारी हैं, नशेड़ी हैं, किसी को भी मारकर पेट में डाल लेते हैं, शास्त्रों के हिसाब से वो पशु जीवन है। तो इसी पशु जीवन से कुछ लोग इसी समाज में अलग अलग पदों पर बैठते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई लॉयर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई जज बनता है, तो उसकी बुद्धि भी उतनी है क्योंकि उसने शिक्षा उतनी ही ली है जो किताब में स्कूल में पढ़ाई गई, अपनी रीजनिंग से, रैशनलिटी से वो आगे बढ़ता है, तर्क देता है, डिसीजन देता है और ऐसे नियम बनाता है जो समाज के ज्यादा लोग चाहते हैं। जैसे आजकल एक बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है, सेम सेक्स मैरिज, समलैंगिक विवाह। तो मूल अधिकार की बात आती है कि भाई उसका भी तो कोई मौलिक अधिकार है। अगर कोई लड़की चाह रही मैं लड़की से शादी करूं, लड़का चाह रहा मैं लड़के से शादी करूं, तो क्या दिक्कत है? कभी सुना था आपने कि ऐसा भी आएगा कलयुग में कि लड़की का लड़की से विवाह होगा, लड़के का लड़के से विवाह होगा? पंडित भी सोचेगा कौन से मंत्र मारूं, किसको आगे रखूं, किसको पीछे रखूं, किसको आग में डालूं, इनमें संतान कौन करेगा, किससे करेगा? हे भगवान, अब ये लोग कहां से आए? तो ये कारण बनता है सबसे पहले जो चलचित्र, वीडियोस, सोशल मीडिया और उसमें गंदी मूवीज, गंदे चलचित्र, इससे देखकर जब लोग प्रभावित होते हैं और कभी कभार बाल्यावस्था में कोई किसी को छेड़ दे या किसी के साथ कुछ गलत कर दे या उसको उसकी हैबिट डाल दे, तो वहां से उसकी काम वासनाएं जब इस तरह पूर्ति नहीं होती तो वो दूसरी तरह पूर्ति करने की कोशिश करते हैं और उसकी आदत लग जाती है और उसके अलावा फिर वो जी नहीं सकते। इसलिए मेल वर्सेस मेल एंड फीमेल वर्सेस फीमेल चलता है। तो सरकार के पास इनके सोल्यूशन नहीं है, नियम बनाए जा रहे हैं। अरे सोल्यूशन लीजिए ना, माइंड कंट्रोल को कंपलसरी करिए ना स्कूल में, कॉलेजेस में। लेकिन आपका खुद का मन कंट्रोल नहीं है, आप कैसे लाओगे स्कूल में, कॉलेज में? आपके पास खुद ज्ञान नहीं है आध्यात्मिक, तो आप कैसे लाओगे? ग्रंथ भरे पड़े हैं। आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल आना चाहिए। तो इस तरह से समाज विकृत होता जा रहा है, समाज में इतने सारे दोष आ गए हैं कि जीना मुश्किल होता जा रहा है अच्छे लोगों का। जो 20-30% बचे हैं अच्छे लोग, उनका जीना मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए यहां पर बने रहने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, लंबे समय तक जीने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मेरे वंशज आएंगे, पोता आएगा, पर पोता आएगा, पर पोता आएगा, कोई फायदा नहीं है। जब इतने संकट इन 50 सालों में देख लिए, इतना अधर्म बढ़ गया, तो और संतानें लाकर इस संसार में क्यों झोंके, जिसकी वजह से वो बेचारे और नरकगामी बने। तो इसलिए जो आजकल की जनता है, जहां पर वह विचार ज्यादा है, नशा ज्यादा है, हिंसा ज्यादा है और इस तरह से झूठ और जुआ ज्यादा है, तो इनकी गति नरकों की तरफ है। ये शास्त्र नहीं पढ़ते लोग, अधर्म का पालन करते, इसलिए नरकों में जाएंगे। डरा नहीं रहे नहीं जी, हिंदू धर्म में बड़ा डराया जाता है। नहीं नहीं, हम नहीं डरा रहे। अगर आप शास्त्रों का पालन करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो नरक जाएंगे।
बाइबल को उठा लीजिए, बाइबल के हिसाब से, यीशु की शिक्षाओं के हिसाब से जियोगे तो हेवन जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो हेल में जाओगे। कुरान पढ़ लीजिए, अल्लाह की आयतों के हिसाब से जियोगे तो जन्नत जाओगे, नहीं मानोगे, गुटखा खाओगे, पान बीड़ी खाओगे, नशे करोगे, शराबे पियोगे तो जहन्नम जाओगे, दोजख में जाओगे। उधर भी मनाइए सर, जगह वही है, नाम अलग है। क्या जगह वही है, नाम बस अलग है। वहां खाली इतना बोल दिया कि भैया गलत करेगा तो दोजख जाएगा, जहन्नम जाएगा, और वहां पर तुझे आग में लिटाया जाएगा, आग के दरिये हैं वहां पर, देख लीजिए। इन चारों नियमों को तोड़ने का नुकसान, जो मांस खाता है पशुओं का, उसको उसी का मांस नोच नोच के खिलाएंगे। चलिए काम करते हैं, आपको लगेगा मैं अपनी कहानियां कर रहा हूं, ग्रंथ से बता देते हैं। बोले हरे कृष्ण। तो पंचम स्कंध में कहते हैं, जो व्यक्ति कपटता पूर्वक दूसरे पुरुष को धोखा देता है और फिर धोखा देकर उसकी पत्नी और बच्चों का भोग करता है, उसको अंध तामिश्र नामक नरक में डालता है। कहां पर? अंध मतलब जहां अंधेरा ही अंधेरा है, अंध तामिश्र नरक में डालते हैं। वहां पहुंचने से पहले पापी को इतनी यातना देते हैं कि उसकी बुद्धि और दृष्टि पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। वहां पहुंचने से पहले इतना मारते हैं और उसके बाद अंधा हो जाता, फिर वहां छोड़ देते हैं उसको और वहां पड़ता है। फिर कह रहे, जो व्यक्ति दिन रात कठोर परिश्रम करता है और अपने शरीर तथा अपने परिजनों के शरीरों को पोसने के लिए दूसरों पर हिंसा भी करता है, उसे रौरव नाम के नरक में डाला जाता है, वहां फेंका जाता है उसे। वहां उसे वो सब लोग मिलते हैं जिसको उसने सताया था या जिसको उसने लूटा था। मिलने का मतलब क्या, उस तरह के रूप में मिलते हैं, आप पहचान जाते हो, अरे ये तो भैया यार, इसका 10 लाख मार के मैं मुकर गया था, इसका सर फाड़ दिया था। हो सकता है कि लोग यहां की अदालतों से पैसे देकर, पुलिस से एफआईआर में छोटी धारा लगवाकर, जिसकी लाठी उसी की भैंस, बच जाओ। लेकिन इस अदालत से कौन बचेगा? फिर कह रहे हैं, वहां भेजा जाता है और उसको रूरू नाम का, क्या नाम है, रूरू नाम का एक खतरनाक पशु है जो उससे प्रतिशोध लेता है, उसको नोचता है। ये प्राणी सांप से भी अधिक खतरनाक होता है और बहुत तेजी से चलता है और बहुत दर्दनाक कष्ट देता है। कह रहे, दूसरों को कष्ट देकर अपना जीवन यापन करने वाले लोगों को दूसरे को कष्ट देते हैं, दूसरों को कष्ट, मतलब समझ पा रहे हैं आप? हमें पता भी नहीं चलता हम कितने लोगों को दुखी करके बैठे हैं, बैठने में कई बार कोहनी मार देते हैं, किसी के घर का कूड़ा थोड़ा सा इधर आ जाए तो आके जाए खुद कर भी देते हैं लोग कि मेरे घर की सफाई रहे, तेरे घर में कूड़ा। कई लोग दूसरे को परेशान करते हैं, उनके घर के आगे पार्किंग लगाकर वो बेचारा परेशान। तो कहीं ना कहीं आप मानसिक कष्ट दे रहे हो लोगों को ना, अपने सुख के लिए दूसरों को यातना, दूसरों को कष्ट। ऐसे लोगों को कहां जाना पड़ता है? महारौरव नरक। याद रखे सब लोग, याद कर ले, कोई आपका आसपास कोई कर रहा हो तो उसको समझा दे, बेटा ना कर, नहीं तो महारौरव जाना पड़ेगा, जहां पर खतरनाक पशु भयंकर यातनाएं देते हैं, उसको नोच नोच के उसका मांस खाते हैं, अपनी जीभ को संतुष्ट करने के लिए जो लोग निरह पशुओं और पक्षियों को पकाते हैं, इस जीवन को संतुष्ट करने के लिए, इसको, इसके द्वारा हार गए हम,
इसको तो संतुष्ट करने के लिए पशु काटते हैं। नहीं नहीं, हम नहीं काटते। तो दुकानदार काटता है। अच्छा, डिमांड एंड सप्लाई केस नहीं पढ़ा आपने? आप डिमांड कीजिए वो लोग सप्लाई करेंगे, आप डिमांड मत कीजिए वो भूखे मरेंगे, अपना बिजनेस बदल लेंगे, केले लगा के बैठ जाएगा वो। समझ आए? तो कह रहे हैं जो लोग पशुओं को काटते हैं, इस तरह भी लिखा है अनुमंता चौप हरता करे विक्रय च। एक श्लोक आता है उसमें लिखा है जो व्यक्ति मांस काटने की अनुमति देता है, चोप हरता जो काटता है, जो खरीदता है और जो बेचता है, जो पकाता है और जो खाता है, और जो सर्व करता है। लीजिए आपके लिए बनाया है। कितने लोग हो गए? ये 7-8 जितने भी लोग हैं, कह रहे हैं उस जीव के मरने का सबको बराबर बराबर मिलेगा। क्या फल? हाय हाय, मैंने तो खाली ये बोलता हम काट ले, मुझे तो दे रहे हो। दूसरा बोले मैं तो नौकरी के लिए कर रही हूं, मैंने काटा ही था खाली। पत्नी कहेगी मेरे को तो पता नहीं, मैं तो अपने व्रत रखती हूं, मैं तो पका के बस इनके आगे रख देती हूं। आप भी जाएंगी और जो खा रहा है वो भी जाएगा। बच्चा कहेगा अंकल जी मैं नहीं खाता, मैं तो बस लेने गया था। बेटा तू भी जाएगा, सारे लपेटे में आने वाले। अब यहां पर ये बात लिखी है, इसका मतलब क्या है? मैंने एक वीडियो देखा था, हमारे देश के गृह मंत्री एक ऐसा रूल लेकर आए संसद में कि जो उस आतंकवादी ने बम फोड़ा और वो पकड़ा गया तो खाली उसी को सजा नहीं देते। अभी ऐसा रूल आ गया, वो आतंकवादी यहां तक पहुंचा कैसे, सीमा पार किसने कराई, अपने घर में किसने रखा, 10 दिन उसको भोजन किसने कराया, पैसे की सहूलियत हवाला से किसने करा, वहां से उसको बम बारूद इकट्ठा करके किसने पहुंचाया, श्रीमान जी को टू व्हीलर पे छोड़ने कौन गए, कपड़े का अरेंजमेंट किसने किया, और धूम करके मरे सब। तो जितने लाइन में आए हैं ये सारे के सारे अंदर जाएंगे। ये नियम अभी आया है, इसका मतलब शास्त्रों से ही नियम बनते हैं। जो बोलते ना इसने बनाया है संविधान, इसने बनाया है, ये संविधान बनाने वालों ने कहीं ना कहीं शास्त्र पढ़े होंगे तभी तो बने। पाप करने वाले को क्यों नहीं माला पहनाते भैया? 26 जनवरी में उसको क्यों तमका नहीं देते? क्यों किसी की जान बचाने वाले को तमका देते हो? क्यों किसी को मारने वाले को जेल भेजते हो और उसको फांसी की सजा देते हो और किसी को बचाने वाले को तमका देते हो? क्यों उल्टा कर दो ना? नहीं, क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा है जो गलत करेगा उसको गलत। तो जो मांस खाते हैं, जो पक्षियों को पकाते हैं, उन्हें यमदूत कुंभी पाक नामक नरक में भेजते हैं, वहां उन्हें भी पकाया जाता है कढ़ाई में डाल के। जो यातना दूसरों के मिली वो यातना अब उसको भी मिली। कुंभ मतलब घड़ा टाइप कुछ बहुत बड़ा वो होता है, पाक मतलब जलाना, तो कुंभी पाक नरक है। अच्छा, ब्राह्मण की हत्या करने वाले की, ब्राह्मण की हत्या करने वाले की काल सूत्र नामक नरक में डाला जाता है। काल सूत्र कई धर्म कई जाति के लोग ब्राह्मणों के बड़े अगेंस्ट रहते हैं या रहते थे। तो ऐसे लोग जिन्होंने ब्राह्मणों की हत्या की, उनका अपमान किया, तो लिखा है शास्त्रों में आप 20-25 साल हो सकता है अच्छे से जेलें, लेकिन यहां तो जाना ही पड़ेगा। कह रहे हैं ब्राह्मण की हत्या करने वाले को
नरक की भूमि ठोस तांबे की बनाई होती है, वहां पर जो 10,000 लंबी चौड़ी होती है योजन, नीचे से उसमें आग लगी होती है, आग उगलते हुए सूर्य की तरह उस तांबे को जलाती रहती, गर्म करती रहती है, और ब्राह्मण की हत्या करने वाला जो भूखा प्यासा रखा जाता है उसके ऊपर तपती हुई उस कांस्य की प्लेट पर लेटाया जाता है। और कई बार लेटाया जाता है, कई बार बैठाया जाता है। अब आप कहोगे भाई साहब हम तो मर लिए, यहां पर सजा किसको मिल रही है? फिक्शन है, कहानियां हैं, हम तो इधर बैठे हैं, मरने के बाद क्या मालूम भाई, हमको तो जला दिया, हम तो निपट गए। ना जी ना, बताया जाता है जो व्यक्ति मरने के बाद मरता है तुरंत, ऐसा पापी, तो तुरंत यम के दूत आते हैं, उसके शरीर से, ग्रॉस बॉडी से सटल बॉडी और आत्मा को निकालते हैं, मन बुद्धि अहंकार और सोल को बाहर खींचते हैं, और उसको तुरंत यहां से लेकर लगभग 90,000 योजन की दूरी तय कराते हैं, हंटर मारते हुए, रेत में चलाते हुए कुत्ते पीछे पड़ा देते, भागता भागता जाता, और यमराज के पास लाते। यमराज जी बैठे होते, कहते हैं जी, कहते सर ये आया आज, चित्रकूट जी रिकॉर्ड देखो उसका, अच्छा सर देखते, कहते ठीक है, सेट टाइम को लेकर जाओ दोबारा, उनको उसी घर में छोड़ देते हैं, सेम वो आत्मा भटकती रहती है 13 दिन तक, जब तक कि उसकी पूरे संस्कार ना हो जाए। फिर 13 दिन तक संस्कारों पे बात आती कि कैसे कर रहे हो, अगर 13 दिन के संस्कार अच्छे कर दिए भगवान का नाम तो बच भी सकता है, बच जाएगा, लेकिन नहीं मालूम, संस्कार नहीं गए, टाइम देखा जल्दी चलाओ, ये करो वो करो, और फिर वो व्यक्ति वहां जाता है, फिर उसको पता चलता है कब तक उसको नरकों में रहना, और अगर कुछ अच्छा किया है तो उसके लिए स्वर्ग भी जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप उसको क्या कर दो अच्छे कर्म, दो बुरे, तो आपस में क्या करा उसको, क्या बोलते हैं वो हो गया, क्या वर्ड होता है वो, कैंसिल हो गया। ऐसा नहीं होगा, दो के अदर भुगतने पड़ेंगे, दो के अदर भुगतने, ठीक है क्या? और फिर कह रहे हैं कि कई हजार वर्ष तक वहां पर पड़ा रहता है, वो पशु की भांति चलता पड़ता रहता है। अब कह रहे हैं आपातकालीन माने इमरजेंसी, इमरजेंसी स्थिति ना होते हुए भी जो व्यक्ति वैदिक पथ का त्याग करता है, कई बार इमरजेंसी होती है तो कई बार नियम तोड़ जाते हैं, लेकिन इमरजेंसी में तोड़ सकते, इमरजेंसी होनी चाहिए, लेकिन अगर इमरजेंसी नहीं है उसके बावजूद कोई नियम तोड़ रहे हो तो कह रहे हैं उसे 80 पत्रवन नामक नरक में भेजा जाता है, वहां यमदूत उसे कोड़ों से पीटते हैं, ठीक है ना, मैं सारी यातनाएं नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ी बड़ी खतरनाक यातनाएं लिखी हुई है। किसी व्यक्ति जो बेचारा निष्पाप है, जो व्यक्ति सज्जन पुरुष है निष्पाप है, उसको अगर कोई व्यक्ति तंग करेगा या राजा कई बार इसको दंड देगा, गलती से कई बार हो जाता ना, तो कह रहे हैं ऐसे वाले मतलब इसका मतलब जजेस आ गए, जजेस राजा, जजेस पुलिस वाले, या जो हट्टे कट्टे लोग हैं कई बार अपनी बहादुरी दिखाने के लिए कमजोर को पीट देते हैं, तो जो निष्पाप है बेचारा उसको अगर ऐसी यात्रा देंगे ना, या किसी ब्राह्मण को, तो कह रहे हैं शुकर मुख नामक नरक में ले जाया जाता है ऐसे व्यक्ति को, उसे एक यंत्र में डालकर उसी प्रकार पीसा जाता है जैसे गन्ने का जूस निकाला जाता है, है कि नहीं, जैसे रस निकाल के पीसा जाता है। फिर कह रहे हैं ज्यादा तो नहीं हो गए, छोड़ दें, इतने में तो सारे एड्रेस पता चले गए कहां कहां जाना है नहीं, वो भी बड़े सारे, अच्छा थोड़ा सा और बताते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्राप्त भोजन को पहले
अतिथियों को नहीं देता, या फिर वृद्धों को नहीं ऑफर करता पहले, या बच्चों को नहीं देता है, और खुद गपड़ छपड़ खा जाता है। जनरल एटिकेट, पहले वृद्धों को दीजिए, अतिथियों को दीजिए, बच्चों को खिलाइए, लेकिन उसके बाद खुद ग्रहण कीजिए। गृहस्थ की तो जिम्मेवारी ऐसी भी बोली गई है कि उसको पहले बाहर निकलकर, खाना खाने से पहले बाहर निकलकर 3 बार जोर जोर से पुकारना चाहिए। क्या किसी के घर में कोई दाल दूसरी बनी है, कोई दूसरी सब्जी बनी है तो ले आओ, ये नहीं नहीं नहीं, गृहस्थ की जिम्मेवारी है वो बाहर जोर से पुकारे कि कोई भूखा है, कि तेज बोलना पड़ेगा कान कान में, कोई है भूखा, 3 बार बोल के अंदर आकर फिर दोपहर छपा, नहीं नहीं जोर जोर से पुकारना, कोई भूखा है, किसी को भूख लगी है, किसी को भूख लगी तो हाथ खड़ा करो, अभी नहीं लगी, 9 बजे लगेगी ना, तो 3 बार ही शुड शाउट इन द पब्लिक, और उसके बाद उनको ऑफर करें, फिर खुद खाएंगे। इतना अन्न तो सबके घर होता है, ये वो कहते ना, इतना दीजिए कि साधु भी भूखा ना रहे और मैं भी भूखा ना सो, साधु भी भूखा ना। तो ये इसलिए बोली गई बातें ताकि कोई व्यक्ति पुण्य कर ले, भक्ति कर ले, किसी की मदद कर ले। जब वो गरम गरम रेत में ले जाते हैं ना, तो जिसने किसी को कुछ अन्न दान दिया था तो रस्ते में उसको अन्न खिलाया जाता, मिलता है ऊपर। किसी ने किसी को चप्पले दान की थी किसी, तो उसको चप्पले मिलती है कि रेत में मत जल, चप्पले मिल गई, तुमने दान की थी नीचे। किसी ने पेड़ लगाया था तो गर्मी में सूरज बड़ा स्कॉर्चिंग होता है, तो कहते नहीं नहीं तू इधर से नहीं जा, तू पेड़ के नीचे खड़ा हो, तूने प्याऊ बनाया था तो पानी पी। ये दान क्यों किए जाते थे? इसीलिए किए जाते थे कि हमारे को अंत में आखिरी यात्रा में काम आए, इन पुण्यों की वजह से स्वर्ग जाओ। धीरे धीरे लोग सेल्फिश होते गए, अहंकारी होते गए, मैं बस मेरे को अपना देखना है, दूसरों से मुझे क्या मतलब। ऐसी चेतना बन गई लोगों की, इतने लालची हो गए लोग, अपने बारे में सोचते हैं, तो उनको सबको उधर जाने का है। फिर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पंच यज्ञ करके नहीं खाता उसको कुंभी भोज, कृमि भोज नामक यात्राएं दी जाती है। कृमि मतलब कीड़े मकोड़े खिलाया जाता है उसको। 1 लाख योजन चौड़ी नरक में एक झील है जो कीड़ों से और इन सब से भरी हुई है, वहां डाल दिया जाता है, कीड़ा बनकर रहता है वहां पर, मतलब खूब उधेड़ा जाता है उसको। हाँ, जो व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के मनुष्यों अथवा पशुओं के साथ यौन संबंध बनाता है, ये तो मैंने न्यूज में भी पढ़ा कि लोगों के दिमाग में इतना काम वासना भरा हुआ है, मन इतना अनियंत्रित है गंदी चीजें देख देख कर कि वो किसी को नहीं छोड़ते। ये जब बलात्कार या रेप जैसी घटनाएं होती हैं उसका क्या कारण है कि लोग जो हैं आज बचपन से ही गलत गलत चीजों को देखते हैं, मानसिकता गलत बन जाती है, विचार बहुत आते हैं, उसके बाद वो मौका ढूंढते हैं और जब जिसका पत्ता चल जाए, जब कुछ हो जाए तो ऐसे समय पर फिर बड़ा नहीं देखता, बूढ़ा नहीं देखता, बच्चा नहीं देखता, क्योंकि कलयुग उसके दिमाग में बैठ गया। 70 वर्षीय जिनत अमान के अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड जबरदस्ती घुस के उसके साथ गलत कर चुका, न्यूज में आया, लेकिन पैसा सा देखा उसको ज्यादा प्रचारित नहीं किया गया, ये मैंने पढ़ा था ऑथराइज न्यूज में। 70 वर्षीय मतलब किसी का दिमाग खराब हो तो उम्र भी नहीं देखता, फिर वो ये नहीं देखता किसी ने कम कपड़े पहने या ज्यादा कपड़े पहने, फिर वो ये नहीं देखता कि ये बच्चा है या लड़का है, ये भी नहीं देखता।
और कोई ना मिले, बुद्धि खराब हो तो पशु भी नहीं छोड़ता, पशुओं के साथ भी करता है। तो पशु आजकल कोर्ट में सजा दी जाती है ऐसे लोग, तो ठीक है। देखिए 5000 साल पहले लिखा ये, क्योंकि मालूम था कलयुग में कैसे कैसे लोग होंगे, क्या क्या पाप करेंगे, पहले बता दे कहां जाना भैया। तो कह रहे हैं उसे जो है वज्रकंटक श्यामल यात्राएं दी जाती है। इस नरक का नाम वहां पाए जाने वाले श्यामली वृक्ष के नाम पर पड़ा है। श्यामली एक ऐसा वृक्ष है जिसमें इतने मोटे मोटे बड़े बड़े कांटे निकले हुए हैं, लोहे जैसे कांटे ऊपर की तरफ। और उस आदमी को जिसने पशुओं के साथ मनुष्य के साथ एक दूसरे ऐसा किया, उसको उठाते लेके जाते ऊपर, बांध देते हैं रस्सी के साथ, और फिर रस्सी के साथ उसको नीचे खींचते हैं। तो जितने भी खतरनाक इतने बड़े बड़े कांटे थे उसके शरीर में घुस जाते हैं, खींचते हैं उसको, उधेड़ देते हैं उसको पूरी तरह से। मरता नहीं है, दर्द पूरा होता है। तो बताते हैं जब व्यक्ति मर जाता है 13 दिन के बाद जो अंत्येष्टि इत्यादि होती है उसमें उसका अतिवाहक शरीर तैयार होता है, जिसे बोलते हैं यातना शरीर। ये भी सूक्ष्म शरीर है, ये दिखाई नहीं देता, जैसे मन नहीं दिखता, बुद्धि नहीं दिखती, अहंकार नहीं दिखता, तो सूक्ष्म शरीर का दर्शन हमें नहीं होता, लेकिन इसके अंदर सारे पाप सारे चीजें स्टोर्ड हैं। और ऐसे व्यक्ति को यातना शरीर एक नया दिया जाता है जो केवल यातनाओं के लिए बना है, टॉर्चर के लिए बना है। और यमराज के वहां पहुंचने पर नरकों में जब भेजा जाता है तो खूब मारा जाता है, पीटा जाता है, ऊपर पहाड़ों से फेंका जाता है, पकाया जाता है। इतना कुछ करने पर भी व्यक्ति दर्द पूरा होता है, चिल्लाता है त्राही मां बचा लो, अब नहीं करूंगा। लेकिन कहते नहीं सर, लंबी लिस्ट अभी तो यहां जाना है आपको, तो इतनी मार पड़ती है। देखो इनसे बचा जा सकता है, मेंटली पीसफुल हो सकते हैं ये बोलकर मैं नहीं मानता, और अपने पापों में अपने कुकर्मों में हम थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। कोई इसको मानेगा तो पाप करेगा, इसको भूलने के बाद पाप करेगा ना। तो जब भूलेगा, अथॉरिटी नहीं मानेगा, भगवान को नहीं मानेगा, उनके द्वारा बनाए गए स्वर्ग नरक को नहीं मानेगा, तो जब इसको नहीं मानेगा तो क्या करेगा, पाप और करेगा, गंदे काम और करेगा, दूसरों को कष्ट ज्यादा देगा। तो आज समाज में इसलिए दिक्कतें हैं कि लोग भगवान को नहीं मानते, लोग नरक स्वर्ग की परिकल्पना को नहीं मानते कि ये एग्जिस्ट करते हैं, पुण्य और पाप को नहीं मानते, इसलिए उनको लगता है जो करना कर लो, जो खाना है खा लो, अगर तुमने ये नहीं खाया वो नहीं खाया मरोगे तो भगवान पूछेगा भाई तूने कुछ खाया नहीं, तूने कुछ एंजॉय नहीं करा, लोग ऐसा ऐसा बोलते। अगर मुर्गे नहीं खाएंगे मुर्गे बढ़ जाएंगे, बकरे नहीं खाएंगे बकरे बढ़ जाएंगे, भाई तुमने सांप का कुछ सोचा है, बिच्छू का भी सोच ले, पूरे का भी सोच ले, भूख तो बढ़ रहे हैं, हम लोग कंट्रोलर नहीं है, हम अपने घर कंट्रोल कर सकते हैं, वो मैनेज कर सकते हैं, सृष्टि तो भगवान के द्वारा मैनेज हो रही है, उनका साइकिल भगवान के हाथ में है, उसका बैलेंस किसको पैदा करना है किसको नहीं करना है किसको खत्म करना है किसको बढ़ाना है, एवरीथिंग इज इन द हैंड ऑफ कृष्ण, सब भगवान के हाथ में है। तो इस तरह से चलिए, कैसा लग रहा है वैसे? अच्छा तो खैर किसी को भी नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने कहीं ना कहीं हमने खाया होगा, खिलाई होगी किसी ने बैठकर, खूब मजे से मिल बैठेंगे जब 2000 है ना, फुल खूब बहुत होता है यहां पर। लेकिन सुनने के बाद व्यक्ति को चाहिए वो इनको दूर से राम राम कर दे। ये जो 1.5 इंच की जीवा है जिसपे स्वाद पता चलता है उसके चक्कर में किसी को मारो मत, इसको जीत लो बस। तो इस तरह से हमें
इस जीवा पे नियंत्रण करना है, इधर नहीं। और अगर इस पर नियंत्रण कर लिया तो बहुत आसानी से इन सब उटपटांग चीजों से बच सकते हैं। भैया कल ना हम काम करेंगे, थोड़ा सा मंदिर से जल लेना छिड़कने वाला ना, भगवान का ऑफर वाला, इस मशीन में डाल देना। वैसे तो इसका उतना फायदा नहीं होना, लेकिन इस मशीन में मिलकर अगर वो सबके ऊपर छिड़केगा तो विमान आ जाएगा ऊपर से। ठीक है, याद से नहीं, फायदा तो हो जाए ना। तो इस तरह से हम बताना चाह रहे थे आप लोगों को कि ये सब सुनकर डर तो लगता ही है ऑब्वियसली। अब हमें जो डर लग रहा है, ये सब जब सुना परीक्षित महाराज ने तो उन्होंने कहा भाई इतने कष्ट, तो उसके बाद उन्होंने साफ साफ पूछा और कहा कि आपने जो ये वर्णन किया है तो मुझे ये बताइए से छुटकारा कैसे हो, इससे बचें कैसे। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कहा कि अगर कोई पाप करता है और उसका पश्चाताप कर ले तो उस पाप से मुक्ति हो जाती है। अच्छा, पश्चाताप का मतलब क्या होता है? पहले भी बड़े खतरनाक पश्चाताप होते थे, ब्राह्मणों से पूछते थे, बड़ों से पूछते क्या करूं मैं ये गलत काम करा, तो उसको पश्चाताप करना होता था। पश्चाताप में सजा मिलती थी, उसको जो भी बताया जाता था उसको करना पड़ता था। लेकिन फिर उन्होंने एक बात कही कि अगर रिपेंट जो पश्चाताप है हृदय से किया जाए ना, तो जैसे आपने जंगल देखा, जंगल जंगल में बहुत सी घास होती है, पौधे होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, कहते पश्चाताप की अग्नि में अगर कोई बहुत जल रहा है बहुत पश्चाताप कर रहा है, और जंगल में जिस तरह से पेड़ हैं पौधे हैं गिन सकते हो, और मान लीजिए उसी तरह हमारे जीवन के किए हुए पाप हैं, हमारा पाप का जंगल है जो घना जंगल है, कहते अगर पश्चाताप कर लो, माफी मांग लो भगवान से, तो पश्चाताप की अग्नि में सारा जंगल जैसे आग लगने में स्वाहा हो जाता है, वैसे ही हमारे जीवन के सारे पाप स्वाहा हो जाएंगे। बोलो हरे कृष्ण। इसलिए आप देखिए क्रिश्चियनिटी में हर संडे लोग जाते हैं चर्च में, और फादर बैठते हैं बोर्ड के उस साइड में, जो इधर से व्यक्ति बोलता है फादर आई वांट टू कन्फेस समथिंग, मैं कुछ बताना चाहता हूं, मैं कुछ जो मैंने गलत किया बताना चाहता हूं। कहते बोलो, तो बताता मेरे से ये काम हो गया, मेरे से कांड हो गया, मैं ये कराया, तो वो बड़ा गलत किया, चलो यीशु तुम्हें माफ करेंगे, वो तुम्हारे सारे पाप अपने ऊपर ले लेंगे, अब तुम जाओ कल से मत करना। वो अगले हफ्ते फिर आए थे, फादर इस हफ्ते फिर मैंने कर दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। कहते अच्छा, ओहो यीशु तुम्हारे सारे पाप ले लेंगे, आगे से मत करना। फिर अगले हफ्ते आ गया, फादर आई डिड द सेम अगेन। कहते भाई प्रभुपाद जी कहते हैं तुमने यीशु को समझ क्या रखा, तुम्हारे पाप धोने वाली मशीन, एक बार दो बार तीन बार कहीं तो रुको। तो कितनी बार माफिया मांगी, ये वृत्ति है ना, जो वृत्ति पाप करने की वृत्ति, ये रुकनी चाहिए। जब पाप करने की वृत्ति रुक जाएगी बदल जाएगी तो पाप नहीं होंगे। परीक्षित महाराज ने भी कहा कि आग लगी जंगल में, आग स्वाहा हो गया पश्चाताप की अग्नि में, सारे पाप समाप्त हो गए, लेकिन फिर क्या, जब फिर से वर्षा होगी उस खाली जंगल में, जब पानी जमीन के अंदर जाएगा तो सारे के सारे पापों की जो जड़ नीचे थी, जब पानी वहां पहुंचेगा फिर से जंगल हरा भरा हो जाएगा। हमें भी जब माफी मांगा है जैसे मौका मिलता है फिर कर लेते हैं, फिर मौका मिलता कोई नहीं देख रहा, चलिए भी एंट्री कर लो,
फिर मौका मिलता है, यहां सीसीटीवी नहीं लगा, चलो चोरी कर ली। वो कह रही पाप करने की वृत्ति कैसे खत्म होगी? तो आप में से कितने लोग जानना चाहते कि वृत्ति कैसे खत्म हो? कितने लोग? सारे। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर कहानी सुनाते हैं। कहते हैं अजामिल नाम का एक बहुत अच्छा ब्राह्मण रहा करता था और वो जो अजामिल था ब्राह्मण पुत्र था, एक दिन पिता ने उसको भेजा, बेटा जाओ ये सामान लेकर आ जाओ। तो अजामिल जाता है, जंगल के रास्ते जा रहा होता है, तभी वहां पर देखता है कि पेड़ के पीछे से कि एक शूद्र नशे में और एक शूद्राणी वो भी नशे में वैश्या, दोनों जो हैं आपस में नशे में आलिंगन कर रहे हैं, कपड़े तन से गिर रहे हैं। वो ब्राह्मण पुत्र अजामिल जो है वो देखता रहता है, छुप छुप के देखता रहता है। देख देख कर उसकी आंखें वहां से हटती नहीं है, आसक्ति बढ़ जाती है और इतनी खतरनाक आसक्ति बढ़ जाती है कि उस सीन के बाद अजामिल उस वैश्या के प्रति ही लट्टू हो जाता है। अपना घर, अपने पिता, अपनी मां, अपने बीवी सबको निकाल देता है, सबको छोड़ देता है, उस वैश्या को लेकर आता है। आओ तुम ही इस घर की रानी, पूरी तरह से कैप्टिवेटेड। और इतना अधर्म करने लगता है ब्राह्मण पुत्र उस वैश्या को प्रसन्न करने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए, उसको खुश रखने के लिए, कुछ चोरी करना शुरू करता है, लूट मार शुरू कर देता है, लोगों को पीटना, कष्ट देना, चोरी सोना ढाग ला देना, डकैतियां डालना, लाता उसको दिखाता, वो खुश होती, बहुत खुश होता। तो इस तरह से इतने पाप करने लगा हुआ अजामिल उस वैश्य से 88 की उम्र तक 10 बच्चे कर दिए उसे। देख रहे हो, अजामिल तो बेचारा जंगल से जा रहा था तो उसको ऐसा चित्र दिखा। आज वो भी ब्राह्मण था, आज चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सारे के सारों के पास अजामिल बनने के लिए हर प्रकार की अपॉर्चुनिटी है। क्या है वो? मोबाइल फोन। अजामिल ने तो जंगल में जाकर देखा ना, गलती से निकल रहा था वहां से, और आज हम लोगों के पास अजामिल जैसा दुष्ट बनने के लिए मोबाइल है। और मोबाइल एक ऐसी टेक्निक हमारे हाथ में दे दी गई पाप करने के लिए, पाप बढ़ाने के लिए, दूषित मन को और दूषित करने के लिए, पाप करने के लिए, कि आज हर व्यक्ति अपनी चेतना को दूषित कर रहा है। देश की सरकार कहती है हम गांव गांव तक लेके जाएंगे टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट को। क्यों भाई, गांव के लिए खुश नहीं दिख रहे आपको? आपको बुरे लग रहे हैं वो लोग स्वर्ग जाते हुए, भगवान के धाम जाते हुए, जो उनको नर्क भेजने के लिए इंटरनेट हर जगह पहुंचा रहे? मुझे बताओ क्या आवश्यकता तुम्हें इंटरनेट की? नहीं, वो खेतों का अनाज का रेट देख लेंगे करंट में क्या चल रहा है। वो तो ठीक है यार, कैसे बना दो ना एक जहां पर व्यक्ति आकर पूछ के चला जाए। अब किसान क्या करेगा, वो ट्रैक्टर चलाएगा, बैल वैल सब बेच देगा, बैलों को छोड़ देगा भोरगढ़ की गलियों में घूमने के लिए, गायों को छोड़ देगा खर्चे लिए, और ट्रैक्टर लाएगा लोहे का बैल, उस पर बैठ के 15 मिनट में चक्कर लगाएगा, फिर फोन लेके बैठ जाएगा। हो गई चेतना दूषित। क्या करेगा खाली बैठकर? श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, नहीं हम लोगों को ये ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी वी शुड नॉट यूज इन द फार्म्स, खेतों में नहीं इस्तेमाल करनी। किसान को खाली मत बिठाओ, उसको जाने दो खेतों में सुबह से शाम तक।
दिन में पानी करने से मेहनत बैल से करे, बैल का जब मूत्र उसका गोबर जब खेतों में गिरेगा तो खेती उपजाऊ बन जाएगी, सोना उगलेगी। ट्रैक्टर तो क्या उगलेगा प्रदूषण के अलावा, आपकी खेत खराब कर देगा, बंजर हो जाएगी भूमि। आने वाला वो समय जब मरेंगे लोग इन चीजों को लेकर, इसलिए प्रभुपाद जी कहते खाली घर खाली दिमाग शैतान का घर। जब व्यक्ति काम नहीं करेगा 8 घंटे 10 घंटे थक कर नहीं आएगा सोएगा कैसे? तो कोई भी सरकार हो अगर नेट ले लेके जा रही है तो आप देखिए आज गांव में क्या हो रहा है। जो शहरों की गंदगी थी गांव तक पहुंच गई, शहरों का रेट है डाइवोर्स है 40%, 100 शादियों 40 टूटती है, गांवों में भी 10-20% शुरू हो चुकी है, 30% शुरू हो चुकी है। मैं आज की लेडी हूं, मैं आज का आदमी हूं, ठीक है लड़ो भैया। पहले तो 1.5-2 साल का टाइम दे रखा था कि यार बच्चे यंग हैं समझ नहीं आती इनको, लड़ाई करके बैठ गए, गुस्सा इनका शांत हो जाएगा, 1.5 साल का टाइम दे दो इनको, डाइवोर्स एकदम मत दो, काउंसलिंग कराओ, बड़ों से पूछो। अभी मैंने पढ़ा न्यूज, उसमें कई घर बन जाते थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई टाइम देने की जरूरत क्या है, वो भी युवा है वो भी युवती है अलग होना चाहते हैं, चट मंगनी पट ब्याह झट तलाक, बोलो हरे कृष्णा। व्हाई टू वेट अननेसेसरली? क्यों? क्योंकि ऐसा सजेशन या ऐसा डिसीजन देने वाला व्यक्ति हो सकता है इसी बीमारी से परेशान हो, उसकी वाइफ भी छोड़ गई उसको, उसको भी लग रहा हो 1.5 साल मुझे भी अटकना पड़ेगा, मेरी नई गर्लफ्रेंड ऑलरेडी बन चुकी है, तो यार इतना वेट क्यों करा रहे हो? समझ रहे हो क्यों लेते हैं ऐसे डिसीजंस? वो फील करते हैं या उनके साथ भी हो रहा होता है ऐसे, समझ पाए बात को? तो इस तरह से आज घर घर में अजामिल जैसी स्थिति है। एक सर्वे गलती से मैंने पढ़ लिया न्यूज में, कहते पुरुष तो छोड़ो इस देश की महिलाएं इन कामों में सबसे ज्यादा आगे हैं। पोर्नोग्राफी देखने में महिलाएं सबसे आगे हैं। सोचिए पूरा का मन दूषित ही रहता हुआ थी, वो जहां भी दृष्टि डालेगा हरे को भोग की दृष्टि से देखेगा, स्त्री भी किसी को देखेगी भोग की दृष्टि से देखेगी, आदमी में हरे को बच्चा भोग की दृष्टि से देखेगा, कोई नहीं मिलेगा तो पशु को भूटेगा, पशु ढूंढ के लाओ मिलेगा फिर उसको नर्क। सफलता इसमें नहीं है कि कौन कितना अच्छा भोग करता है, ज्यादा भोग करता है, ज्यादा के साथ भोग करता है, पशु के जैसे भोग करता है, ये सफलता नहीं है। मनुष्य की सफलता तो ऋषभ देव जी ने बताई, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, मेरे पुत्रो इस भोग में मत पड़ो, ये तो कुत्ते बिल्ली भी कर रहे हैं, शरीर को तपाओ तपस्या की अग्नि में, इंद्रियों को संयम करो, मन पर नियंत्रण रखो, एक जीवन अच्छे ढंग से जी लिया ब्रह्मंतो सौख्यम अनंतम, फिर ये सुख है अनंत सुख मिलेगा, वैकुंठ चले जाओगे जहां भगवान का धाम है। अरे कई धर्मों में तो स्वर्ग नरक से ऊपर चीज बताई नहीं गई, जन्नत जहन्नम से चीज ऊपर बताई नहीं गई, क्योंकि लोग भोग ही करना चाहते हैं, पाप ही करना चाहते हैं, तो उससे ज्यादा बताया नहीं। हमारे धर्म में बताया है कि अगर हम स्वर्ग भी चले जाएंगे तो नीचे गिरना पड़ेगा, क्योंकि तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम शिण्य पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, अच्छे कर्म करके स्वर्ग चले गए स्वर्ग के पुण्य खत्म हो गए फिर नीचे आना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं यहां नहीं सीधा भगवान के धाम जाने की तैयारी करो, वैकुंठ धाम गोलोक धाम, और तब करेंगे जब भगवान की भक्ति होगी। तो अजामिल का जो पुत्र था सबसे आखिरी वाला, उसका नाम कहते कुछ साधु आए बच्चों से पूछा बेटा हम यहां रहना चाहते हैं रात ज्यादा कहां रहें, तो बच्चों ने मजाक में साधु को उस घर में रहो ब्राह्मण रहते हैं, अजामिल का घर पूरी दुनिया में फेमस था। तो वो जैसे गए दरवाजा खटखटा तो उसकी गर्भवती पत्नी आई जो वैश्या थी,
तो बिटिया हमें किसी ने बताया इस ब्राह्मण का घर है, हम लोग रात बिताना चाहते हैं, क्या तुम्हारे घर में शरण मिलेगी? उसने भी बेचारी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि सर आपके साथ किसी ने मजाक किया, हम ऐसी स्थिति में नहीं है, मैं तो क्या बताऊं, तो आप मैं वैश्या रही हूं और इस तरह से डिग्रेडेड लाइफ हम जी रहे हैं, तो आप जो है किसी और जगह जाइए, हाथ जोड़ दो। साधु को उनकी सरलता पसंद आई, कहा बेटिया जो गर्भ में शिशु है इसका नाम नारायण रखते थे, नारायण नाम रख दिया। अब सबसे आखिरी पुत्र, सबसे छोटे पुत्र से अजामिल का बड़ा प्यार था, तो सुबह शाम नारायण बेटा दवाई खा लो, नमाई बेटा गोली खा लो, नमाई बेटा दूध पी लो, नारायण बेटा इधर आओ, नारायण बेटा इधर आओ, नारायण कहाँ जाएगा, नारायण बड़ा होकर क्या बनेगा। इतने में उसका अंतिम समय नजदीक आ गया, अंतिम समय नजदीक आया, मरणासन था, तभी यमराज के दूत पहुंच गए, हंटर हाथ में लिए, रस्सी हाथ में लिए, जैसे उनको देखा तुरंत वहां पर विष्णु दूत पहुंच गया, रोक दिया, ठहरो तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमदूत ने कहा ऐसे कैसे, कौन हो तुम, कहां से आए हो, सुंदर लग रहे हो, कौन हो भाई, कोई वारंट है, क्या लाए हो? तो बेल लाए हो इनकी। उन्होंने कहा जी ये अजामिल जो है तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। कहते सर हमारे ग्रंथों में लिखा है जीवन भर पाप करने वाला ऐसा व्यक्ति जो है कहां जाता है, यमराज के पास जाता है, हमें हमारे कान से मत रोको। कहते तुम्हारे ग्रंथ कहते हैं, हमारे ग्रंथ भी कुछ कहते हैं। कहते क्या कहते हैं, कहते किसी ने कितने पाप किए हो लेकिन अगर वह अंत में भगवान का नाम ले ले तो सारे पाप से मुक्त हो जाता है, वो नर्कगामी नहीं होगा। तो बीच में संवाद चलता है और अजामिल शरीर तो छूट गया लेकिन सूक्ष्म शरीर सब सुन रहा है, तो वो यम के दूत डिफीट हो गए और विष्णु दूतों ने भी छोड़ दिया, तो अजामिल को नींद खुली, कहते उसको लगा मैं सपना देख रहा हूं, लेकिन जो देखा बिल्कुल सही देखा। तुरंत जो है उसको मालूम पड़ गया नाम की महिमा क्या है, नारायण नारायण बोलकर मैं तो अपने बेटे का नाम ले रहा था, तो उनको समझ रहा कि नाम से जो है मुझे रक्षा हो गई, तो नाम ही लेना जरूरी है। तो हरिद्वार चला गया, घर परिवार छोड़ के हरिद्वार में बैठ के रोज नाम जप किया और पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हो गई और भगवान के धाम चला गया। तो जो पाप करने की प्रवृत्ति हमारी है वो नाम जप से खत्म होगी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये मंत्र बार बार जपना पड़ेगा। जन्मों जन्मों की हमें संस्कार हैं उल्टे सीधे काम करने के, प्रवृत्तियां हृदय में बस चुकी हैं, तो ये प्रवृत्ति खत्म होगी, मन पवित्र हो जाएगा, पाप करने का मन ही नहीं करेगा। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो वहां पे लोग चरस गांजा एलएसडी क्या नहीं लेते थे, क्या भक्षण नहीं करते थे, वह विचार कितना करते थे, सारे नियम तोड़ते थे। प्रभुपाद जी ने ही हरे कृष्ण महामंत्र जप के, उनसे जप करवा के, कीर्तन करवा करवा के उनका मान छूट गया, प्याज लहसुन भी छूट गया, जब नवरात्रों में केवल 9 दिन छोड़ते, उन अंग्रेजों ने 365 दिन छोड़ दिया कि जो गंदी चीज है फिर 9 दिन क्या, 365 दिन गंदी है, तांसिक है। उन्होंने नशे छोड़ दिए, वो नशे जो खतरनाक थे जो यहां के लोगों से नहीं छूटते, सड़कों में मरेंगे गिरे पड़े, डी एडिक्शन स्कैम में मरेंगे तड़पते हुए, किसी की छूट दिए, घर के बर्तन बिक जाए, घरवाली बाहर निकाल देंगे, बच्चों को मार देंगे, छत से फेंक देंगे, लेकिन पैसा चाहिए पीने के। उन्होंने नाम जब शुरू किया उनके नशे छूट गए, और इसके साथ साथ नशे में चाय कॉफी भी छोड़ दी, हर वो चीज जो तामसिक है जो मन को विचलित करती है छोड़ दी, पान बीड़ी मसाला तंबाकू सब छोड़ दिया। क्यों लेके जाए वो गंध अंदर जो हमारी चेतना को दूषित कर, व्यभिचार छोड़ दिया। अमेरिका जैसे देश में व्यभिचार पर स्त्री पर पुरुष गमन ये तो धर्म है वहां का,
बूढ़े बूढ़े व्यक्ति 12-15 शादियां कर चुके होते मरने तक, और सब कुछ इजी है, बस हां करो जाओ। तो ऐसे लोग भी पवित्र हो गए, दीक्षा ले ली नियम पालन करने की, 16 माला रोज जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, नशा नहीं करेंगे, वैध संबंध नहीं रखेंगे, मांस नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, और रोज भगवान के नाम का जप, 16 माला का जप करेंगे। ये नियम फॉलो किए, प्रभुपाद जी ने उनका नाम बदल दिया, दीक्षा दे दी, सबने सर मुंडा लिए, प्रभुपाद जी की सहायता के लिए विश्व भर में भ्रमण करने लगे, हरे कृष्णा जपने लगे। आज भारत में ढूंढने से भी ऐसे भक्त नहीं मिलते, भक्त के गुरु भी नहीं मिलते जो इन 4 नियमों का पालन करते हैं। आए दिन सूचना मिलती है कि इस गुरु ने ये नियम तोड़ा ये अंदर, इस गुरु ने ये नियम तोड़ा ये अंदर। कौन से देश की बात हो रही है? भारत देश की। यहां क्या है? यहीं से ज्ञान गया है। किसको समझ आया और किसको समझा दिया वो ये खड़े लोग, और जिनको समझ नहीं आया वो भटक रहे हैं यहां वहां। उनको फिल्मी गाने चाहिए, उनको दूसरे टाइप के भजन चाहिए, उनको बस भक्ति के नाम पर टीके चाहिए, लाल गमछा चाहिए, घूमते रहो बस। अरे भैया, धर्म ये नहीं है। धर्म का मतलब है धारण करना। धर्म सीखिए, जीवन में उतारिए, धर्म की रक्षा हो गई। नहीं नहीं, हम हथियार लेके जाएंगे धर्म की रक्षा करने। भाई धर्म का पालन तो कर ले। नहीं नहीं, हम खाएंगे मांस, हम देंगे नशा, कुछ काम हो ना बता देना, आ जाएंगे तलवार लेके। ये कैसा धर्म का पालन हो रहा है भाई? धर्म और रक्षति रक्षतः। आप धर्म का पालन कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। उस तरह से उसके प्राणों की रक्षा हो गई, और इस तरह से यम के दूत बेचारे खाली हाथ गए, है कि नहीं? खाली हाथ गए, और वापस जाकर यमराज को, महाराज कहा, महाराज क्या कर दिया आपने? हम सोचते थे आप ही सब कुछ हो। कहते मैं सब कुछ नहीं, मेरे पास तो खाली एक ही डिपार्टमेंट है। वो क्या डिपार्टमेंट है? ये नरक का, पितृलोक का डिपार्टमेंट मेरे पास है, इसके अलावा बहुत सारे हेड अलग है। कहते हम तो आप ही को समझते थे। कहते नहीं, मेरे पास तो एक डिपार्टमेंट है, हम जिस डिपार्टमेंट हेड। कहते लेकिन आज हम गए, खाली हाथ आ गए, ले गए विष्णु दूत उसको। हमारे ग्रंथ क्या कहते, उनके ग्रंथ क्या कहते, हमसे जीत गए वो लोग। आप हमें साफ साफ बताइए करना क्या है। तो शिक्षा देते हैं, कहते भाई देखो ऐसा है, भगवान के नाम इतने शुद्ध हैं, इतने पवित्र हैं। सांकेत्यं परिहास्यं वा स्तोभं हेलनेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणं शेषाधरणं विधु। कह रहे जो व्यक्ति भगवान का नाम किसी को संकेत करते हुए, संकेत करते हुए ले ले, सांकेत्यं, या फिर किसी का मजाक उड़ाते हुए, या वैसे ले लो, हरि प्रसाद कहां जा रहा है, ये आ गए, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण, मजाक उड़ाए। इस मजाक उड़ाने में भी कहते नाम तो ले लिया उसने। कोई व्यक्ति स्तोभम गाते हुए, अरे लंबा लाम, लंबी लंबी तान मार लिया, नाम तो सुन लिया, कह रहे हिल मेवा, या फिर नेग्लेक्टफुली, मैं नहीं लूंगा नाम, मैं नहीं लूंगा। मम्मी के बेटा माला कर ले, सुना नहीं नर्क से, मैं नहीं बोलूंगा। एक बार बोलते हरे कृष्ण, मैं नहीं बोलूंगा हरे कृष्ण, अरे बोल दिया बोल दिया। तो नेग्लेक्टफुली भी अगर नाम ले लेता है तो क्या कह रहे हैं शास्त्र? वन हु चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इज इमीडिएटली फ्री फ्रॉम ऑल द रिएक्शन। जो भगवान का नाम एक बार भी जप लेता है वो हर तरह के रिएक्शन से बच जाता है। अनलिमिटेड सिंस अगर उसने कर रखे उससे बच जाए, और चाहे वो डायरेक्टली ले चाहे इनडायरेक्टली ले, प्रत्यक्ष रूप से ले चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन नाम ले ले तो इस तरह से उसको बच जाएगा। और कोई कह रहे हैं कि मरता हुआ, डूबता हुआ, गिरता हुआ, पतिता हो, स्खलित हो, भगना, हाथ टूट रहा हो, एक्सीडेंट में गिर पड़ रहा हो, छत से गिर रहा हो, स्खलित फिसलते हुए, संदष्ट सांप के काटने से मृत्यु हो रही हो, अग्नि में गलती से गिर गया हो, या अग्नि आग लग गई हो, और किसी तरह से किसी के द्वारा मारा जा रहा हो, ऐसी परिस्थिति में भी अगर वो भगवान का एक बार नाम मुंह से निकाल देगा तो कहते हैं उसको नरक में जाने से बचा लिया जाए, केवल नाम बोलने से। बोलो हरे कृष्ण। तो जो नरकों की यातना हमने सुनी थी,
ये उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने भगवान का नाम सुना है या जपा है, उनके लिए नहीं। यमराज ने कहा देखो तुम कभी भी किसी वैष्णव के आसपास मत घूमना जो विष्णु का भक्त है, जिसके गले में कंठी माला है तुलसी की, जिसके मस्तक पर तिलक है, खबरदार अगर उसके पास गए, यही वैष्णव की पहचान है, जिसकी जीभा पे भगवान का नाम है, अरे उसकी रक्षा तो भगवान विष्णु के दूत हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए करते रहते हैं, वहां मत जाना। ये जो आपको तिलक लगा रहे ना भाग, पुराणों में इसकी स्टोरी आती है कि एक बार ऐसा खतरनाक व्यक्ति था जो पाप के अलावा कुछ करते नहीं, इतने पाप किए जो हर तरह के पाप कर बैठा, और एक बार जंगल से जा रहा था, उसका टाइम हो गया था मरने का, तो ऊपर से यमराज के दूत आके लेने के लिए आ ही रहे थे, मरने के लिए धड़ाम से गिरा, फटाक से सर लगा पत्थर पे, प्राण निकल गए। जैसे ही यम के दूत पहुंचे कहते बंदा कहां गया भाई, बॉडी पड़ी है, सूक्ष्म शरीर आता कहां है, और हैरान हो गए क्या हो गया, खाली हाथ ऊपर गए, चित्रगुप्त जी को कहा सर वो देखना उसकी फाइल कहां है। वो चित्रगुप्त ने निकाला कहते यार फॉर्मेट हो गई सारी फाइल, पाप ही नहीं है, बंदा कहां गया। तो इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी, देख कराओ भाई पता करो कहां गया वैसे। तो यहां से कॉल लगाया वैकुंठ कि सर हमारा एक बंदा आना था यहां पर, ऐसे ऐसे मरा, इसका नाम ये है, आज ही मरा था, इस टाइम पे मरा था, आना इधर तक कहां चला गया, मिल नहीं रहा। कहते हैं तो हम ले आए, विष्णु दूतों ने कहा भाई तुम क्यों ले आए। कहते एक्चुअली हुआ क्या, ये जिस जो व्यक्ति जब मर फिसला और जब गिरा जहां पर इसका सर लगा, वहां पर पहले कभी किसी भक्त ने भगवान का गोपी चंदन तिलक रगड़ कर माथे पे लगाया और बाद में बचे हुए तिलक को वहीं धो दिया था, तो जहां धोया था वो वही पत्थर था, तो वहां पर आज भी उस तिलक के अवशेष थे। तो जब ये व्यक्ति मरने से पहले गिरा, जब गिरा धड़ाम, तो मरने से पहले क्योंकि इसके मस्तक पर वो तिलक छू गया, वो गोपी चंदन छू गया, तो उसके सारे पाप समाप्त हो गए। इसलिए ये विष्णु लोक आने के काबिल बन गए, समझ रहे हैं? ये शास्त्रों में लिखे, अब इसमें विश्वास करना चाहिए, अब विश्वास नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं? तो इतना महत्वपूर्ण तिलक, रोज तिलक लगाना चाहिए, तिलक से पहचान होती है ना, जैसे विवाहिता स्त्री की कैसे पहचान होती है, विवाहिता स्त्री की पहचान होती है कि वो मांग में सिंदूर भरती, मस्तक पर बिंदी लगाती है, उससे क्या होता है सभी लोगों को पता चल जाता भैया ये जो है किसी की भार्या है, पत्नी है, किसी के द्वारा रक्षित है, पोषित है, तो मुझे उनसे दूर रहना चाहिए, मुझे उनको नहीं देखना चाहिए, मुझे उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। उसे पता चलता है कि हम लोग विवाहित शरीर किसी की है। उसी तरह जब तिलक लगा ले तो तिलक से पहचान होती है किसका है ये व्यक्ति, किसकी शरण ले रखी है इसने, गले में कंठी माला है, ओ पहचान में आ गई, कंठी का मतलब कंठ से लगी हो। जैसे सड़कों के आसपास हम देखते कई आवारा कुत्ते घूम रहे होते हैं, तो जब एमसीडी की गाड़ी आती है तो कई बार पकड़े ले जाती है, लेकिन जिन कुत्तों के गले में बेल्ट होती है ना पट्टा, एमसीडी कहते हैं यार इसको क्या उठाएं, फिर रिपोर्ट करने आ जाएंगे, छोड़ दो किसी का है छोड़ देते। वैसे ही वो डॉग बेल्ट है, ये गॉड बेल्ट है, क्या है गॉड बेल्ट, तो हम गॉड बेल्ट से रक्षित हैं। तो जो लोग नियमों का पालन करते हैं, किसी जीव को प्रताड़ित करके खाते नहीं है, उबाल के खाते नहीं, रोस्ट करके खाते नहीं, नशा इत्यादि नहीं करते,
पहनने चाहिए उनको। वैसे तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि खाली ऐसे ही लोग पहने, लेकिन क्योंकि वैष्णव सारे यही पहनते हैं और यही लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जिसने पहनी है इसका मतलब वो मांस नहीं खाता, नशा नहीं करता, वह संबंध रखता। इसलिए अब यही माना जाता है जिसने पहना है वो वैष्णव होगा। इसलिए अगर आप पहनकर कहीं दुकान पर टंगड़ी तोड़ रहे हो किसी की, तो लोग कहेंगे देखो आजकल ये हरे कृष्णा वाले कंठी पहन के टंगड़ी खा रहे हैं, है कि नहीं। तो इसलिए ये अपेक्षा की जाती है कि अगर किसी को मान लीजिए पहनना भी है, क्योंकि तुलसी तो हमको पवित्र करने के लिए, तो लंबी पहन ले जो दिखे ना, या फिर नियमों का पालन कर ले ये ज्यादा अच्छा है। तो नियमों का पालन कर ले, एक सज्जन पुरुष बन जाए, एक अच्छा व्यक्ति बन जाए, पहन ले कर घोषित कर दे कि मैं किसका हूं, मैं भगवान कृष्ण का हूं, ताकि दूर दूर तक यमराज के दूत आसपास ना भटके। तो ये पहचान है तिलक हमारी, और जैसे सिंदूर पहचान है स्त्री को। लेकिन कलयुग क्योंकि बढ़ता जा रहा है, फैशन नए नए आ गए, तो आजकल स्त्रियां भी जो हैं सिंदूर नहीं लगा पाती या नहीं लगाती, या लगाती तो इतना छोटा कहीं दिख ना जाए। अभी एक दूसरे का मत देखो, और जनरली ऐसा होता है। तो हर स्त्री को प्रयास करना चाहिए, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी प्रथाएं हैं, वन शुड फॉलो दैट। इससे आप रूढ़िवादी नहीं लगोगे, इससे आप घटियारूसी नहीं लगोगे, इससे आप अनकल्चर्ड नहीं लगोगे। द वुमन और अ पर्सन हु फॉलोज द रूल्स एंड रेगुलेशन इज ऑलवेज रेस्पेक्टेड। जो स्त्री और पुरुष अपने धर्म का पालन अच्छे से करते हैं, उनको हमेशा हर जगह सम्मान मिलता है, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो सर पर पल्लू, माथे पर बिंदी और मांग भरी हुई है कि नहीं, तो ये हमारा कल्चर है, इसी से हमारी पहचान होती है कि नहीं। किसी ने पूछा आदमी लोग क्या लगाएंगे जी, इनको इतनी छूट कैसे। तो अगर आदमी को पहचानना हो कि वो विवाहित है कि नहीं, तो उसके मुरझाए हुए चेहरे को देखे पहचाना जा सकता है कि ये क्या है। सबसे बड़ी पहचान तो ये है सर। और दूसरा उसका चरित्र, उसका कैरेक्टर, उसकी उसका फेथफुलनेस है ना, वो पहचान है उसकी। तो जितना हम धर्म का पालन करेंगे अपना फायदा भी। बोलो हरे कृष्ण। तो इस तरह से छठे स्कंद में ये सुंदर कथा आती है अजामिल की, और उसके बाद एक बड़ी सुंदर और कथा आती है, बट कुछ संक्षिप्त में बताते जाएंगे अब। उसमें होता क्या है कि भगवान जो है हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और विशेषकर देवी देवताओं की रक्षा करते हैं। एक बार क्या हुआ, बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, उनने इंद्र इत्यादि देवताओं को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट इन द सेंस कि उनको उनसे ना खुश हो गए। तो परीक्षित महाराज कहते हैं ऐसा क्या हुआ, देवताओं से बृहस्पति जो गुरु हैं सबके, वो रुष्ट हो गए। तो उन्होंने बताया कि एक बार जब बृहस्पति आए इंद्र की सभा में, तो इंद्र जो है अपने घमंड में, अपने मजे में बैठा हुआ था, गुरु को देखकर खड़ा नहीं हुआ, उनका सम्मान नहीं किया। तो बृहस्पति को साफ लगा कि ये जो है अपने घमंड में है, ये भूल गया कि सदाचार क्या होता है। बेसिक सदाचार सबको सीखना चाहिए। बेसिक सदाचार का मतलब कि घर में बड़े आए तो सबको खड़ा होना चाहिए,
विनम्रता से हाथ जोड़ने चाहिए, हालचाल पूछना चाहिए, सब करना चाहिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। कोई तुम्हारा अप्रिय भी है, तुम्हारा दुश्मन भी है, उसको भी अगर हम प्यार से विनम्रता के साथ वेलकम करेंगे ना, तो दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है। तो किसी को सम्मान देने में कोई नुकसान नहीं। तो इंद्र ने गलती कर दी, वो नाराज होकर चले गए। सबको पता चला कि भाई वो बृहस्पति जी आए थे, तो बड़े परेशान हो गए। इंद्र माफी मांगने गए, वो चले गए। वो कहते नहीं, हमें कुछ नहीं पता। तो कहते हमारे को कौन लीड करेगा, और इस प्रकार से बड़ी दिक्कत हो गई। तो जब असुरों को पता चला कि आजकल ऊपर उनके ऊपर कोई नहीं है, तो उन्होंने आक्रमण कर दिया। इंद्र इत्यादि सबको हरा दिया असुरों ने। बेचारे दर दर भटके और फिर गए कहां, भगवान के पास, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा देखो तुम ऐसा करो, तुम मृतासुर हैं, आप उनको अपना गुरु बना लो। उनकी वैसे दोस्ती असुरों से भी अच्छी है, बट फिर भी बना लो, ताकि तुम उनके साथ रहो, उनके सानिध्य में रहो, ताकि जब यज्ञ इत्यादि हो तो तुम्हारा भाग ठीक से मिल सके तुम्हें। तो यही हुआ, उन्होंने विकासर के पास गए हाथ जोड़कर, उनको बना लिया अपना गुरु। तो जब उनको बुलाया यज्ञ के लिए, यज्ञ कराए, देवताओं का भाग दिया, तो साथ में कुछ ना कुछ रख लिया असुरों के लिए भी, दैत्यों के लिए भी। इंद्र को पता चला ये देर भी कर रहे हैं, हमेशा भी कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने क्या करा, वृत्रासुर का वध करवा दिया। और इंद्र ने जो है वृत्रासुर, मैं बोल रहा हूं, नाम था विश्वरूप लक्ष्मी। तो विश्वरूप नाम के उनको गुरु बनाया था, फिर उसको वध कर दिया। और फिर जो दुष्टर थे उन्होंने उसी समय अग्नि से वृत्रासुर नामक एक असुर को निकाला, और उसने इंद्र को खूब लड़ा, तो इंद्र को हरा दिया। इंद्र ने कहा भगवान के पास जाकर मैं कैसे इसको जीतूं, तो उन्होंने कहा तुम दर्दिशी मुनि की हड्डियों से एक ऐसा अस्त्र बनाओ जिससे वृत्रासुर मर जाएगा। दगीची मुनि गए के पास गए, तो उन्होंने कहा ठीक है जी ले लो, देवताओं की मदद के लिए मैं तैयार हूं। तो शरीर से अपना प्राण निकले और उन्होंने दगीची मुनि की हड्डी से वज्र बनाया, और फिर युद्ध हुआ वृत्रासुर का और इंद्र का। इंद्र बार बार लड़ रहे थे और वृत्रासुर भी उसको अच्छे ढंग से रिस्पॉन्स कर रहा था। इंद्र बड़ा हैरान था, लेकिन घमंडी भी हो रखा था कि मेरे पास दधीची मुनि का वस्त्र आ गया, इसको मार दूंगा। वृत्रासुर ने कहा मारो, जल्दी मारो, इतना देर क्यों लगा रहे हो, मार रहे हो, मैं भगवान का स्मरण कर रहा हूँ। असुर था, कहता मैं भगवान का स्मरण कर रहा हूँ, भगवान का गुणगान कर रहा हूँ, और मैं इस संसार में रहना भी नहीं चाहता। भाई तुम जैसे लोग रह लो, तुम ले लो पोस्ट, तुम रहो यहाँ पर इस संसार में, मैं तो भगवान के पास जाऊंगा मरने के बाद, मैं तो उनका नाम उनका गुणगान कर रहा हूँ। इंद्र हैरान किया, भक्ति भी कर रहा है ये, मेरे से मरने की भी बात कर रहा है। फाइनली वज्र छोड़ा और वृत्रासुर मर गए। तो परीक्षित महाराज बड़े हैरान हुए कि भाई असुर होकर भगवान का इतना गुणगान, पिछले जन्म में कौन था ये जो असुर होकर इतनी भक्ति कर रहा है और भगवान को प्रसन्न कर लिया जिसने। तो उन्होंने बताया कि जो है चित्रकेतु नाम का एक राजा था, और उसकी एक नहीं दो नहीं डेढ़ दो लाख नहीं पूरी 1 करोड़ पत्नियां थी। कितनी? 1 करोड़ पत्नियां, और किसी से भी संतान नहीं थी। कितना अभागा होगा राजा, तो इतना परेशान इतना दुखी गया वो नारद इत्यादि के अंगिरा मुनि के पास, मुझे संतान चाहिए, मुझे संतान चाहिए, किसी हालत में मुझे संतान दो। कहते तुम्हारे भाग में लिखी नहीं भैया, तुम्हारा माथा देख के बता रहे तुम्हारे में संतान सुख नहीं। कहते 1 करोड़ पत्नियां, ये राजपाट किस लिए, फिर मेरा वंशज कौन बनेगा। खूब कहते मैं अपने प्राण त्याग दूंगा अगर तुमने मुझे संतान नहीं दी। अब उन्होंने कहा क्या करें, बहुत मांग रहे हैं, प्राण त्याग देंगे, राजा है। कहते चलो ठीक है, तुम्हारे भाग में नहीं लिखा इसलिए बता रहे, फिर भी तुम्हें संतान हो जाएगी, ये लो ये फल। लेकिन देखो वो संतान तुम्हारे हर्ष और शोक का कारण बनेगी, याद रखो।
कहते कोई दिक्कत नहीं है, संतान तो होगी ना। अरे बिना संतान के कैसे जीऊंगा भाई। कहते ठीक है ले जाओ। फल लेके अपनी पत्नी को खिला दिया, पत्नी गर्भवती हुई, संतान हो गई उससे। और संतान होने के बाद राजा खुश, इतना हर्ष हुआ, हर्षोल्लास हुआ, बैंड बाजे बजाए, पूरे राज्य में पटाखे छोड़े, गरीबों में खाना बांटा, ब्राह्मणों को गाय दान करी, सोना दिया, सारी रानियों को खूब दिया। अब खुश हो गए, राज्य में संतान होगी, रंधान होगी। कुछ महीने बीते, राजा उसी कमरे में जाता था, उसी के साथ रहता था, उसी से बातें करता था, बच्चे के साथ ही लगा रहता था। तो 99,99,999 रानियों ने एक सभा बुलाई और कहा कि ये राजा तो हमारे हाथ से निकल गया, जब से संतान हुई है यही रानी के पीछे पड़ा रहता है, बस हमें तो तिरस्कार कर दिया सर। तो हमारे दुख का कारण क्या है? वो संतान, जब से वो हुई तब से प्रॉब्लम हुई है, तो क्या करें? मार देते हैं, जहर दे देते इस बालक को। सबने कहा हाँ, ओहो, देखिए दूसरे का सुख हमारे लिए कितना बड़ा दुख बन जाता है। कहते हैं लोग अपने दुखों से इतने परेशान नहीं जितना दूसरों के सुख से। दूसरे को सुख कैसे मिल गया? जैसे एक बार नाइजीरिया में लोगों को पता चला कि भारत देश में तपस्या वपस्या करने से भगवान खुश हो जाते, वरदान दे देते हैं। तो दो निगरो आ गए वहां से भारत में, हिमालय चले गए। इसे पूछा क्या करेंगे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः करेंगे। तो उन्होंने मंत्र जप शुरू कर दिया, निगरो थे बेचारे, साथ में एक और था भारतीय, वो भी लगा हुआ था साधना में। तो तीनों से खुश हुए भगवान प्रकट के, बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी? तो पहले निगरो ने कहा, माय डियर लॉर्ड, आई एम वेरी ब्लैक, I'm very black. When there is dark, no one can see me. I'm very black. So what do you want? आप क्या चाहते? My Lord, make me white. गोरा बना दो मुझे. कहते तो खास, वो गोरा हो गया। दूसरा और था, उसने देखा यार, आप भी बोलो क्या चाहिए। माय डियर लॉर्ड, आई एम आल्सो वेरी ब्लैक, व्हेन आई ओपन माय टीथ लाइक दिस, ओनली पीपल कैन सी माय टीथ, नथिंग एल्स। आई कैन ट्रेवल एनीवेयर इन डार्क विदाउट क्लोथ, नोबडी नोज। सो व्हाट डू यू वांट? ही सेड आई आल्सो वांट टू बिकम वाइट। वो इतना चमक गया, सुंदर हो गया। तथा तीसरा इंडियन खड़ा, कह रहा तू भी मांग। वो हंस रहा था, नोट बोर्ड होगी नीचे की, कहता मांग भाई, टाइम नहीं, वापस जाना है। तो कहता है मेरी बारी, कहता हाँ तुम्हारी बारी, मांगो कुछ। फिर हंस के हंसने कैसे मांगू? कहते मांग, इनको फिर से काला कर दो। भगवान चिटकला है, लेकिन कहने का मतलब क्या है? हमारी जिंदगी में होता है, किसी के घर में कार आ जाए तो यहां तड़के लग रहे होते हैं, किसी का अच्छा मकान बन जाए तो नींदें हमारी उड़ जाती है, कोई आईफोन 14-15 ले ले अपना फोन बेकार लगने लगता है, किसी का बच्चा अच्छे नंबर से पास हो जाए अपने बच्चे की झाड़ू से पिटाई कर देते हैं हम, समझ रहे? तो कहने का मतलब क्या है कि दूसरों के सुख से हम बहुत परेशान रहते हैं। तो इसलिए इधर भी यही हुआ, वो सारी की सारी रानी इकट्ठी हो गई, बच्चे को जहर दे दे, बच्चा मर गया। अब जो राजा को पता चला मेरा पुत्र मर गया, अब सोचिए क्या दुख हुआ होगा उसे।
रोने लगा, चिल्लाने लगा, आए मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी संतान चली गई, खूब रोया। तभी वहां पर अंग्रेज ऋषि आ गए, नाथ जी आ गए, कहते क्या हो गया, देखो क्या कर दिया, अगर मारनी ही तो संतान थी क्यों। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, थोड़ा खिसकी सब लोग, जगह थोड़ी कम है, थोड़ा थोड़ा खिसक, नहीं नहीं आगे वाले बैठे रहो, बीच वाले खिसक जाओगे तो जगह कहाँ आएंगे बेचारे, बीच वाले आगे खिसको तो पीछे जगह बच जाएगी, सब बीच वालों को इकट्ठा खिसकना पड़ेगा तभी जगह बनेगी, हमारे खिसकने से क्या होगा, स्थान बनेगा, और दो पांच दस लोग और कंफर्टेबल बैठ गए तो उनका भी फायदा है कि नहीं, तो यहां बैठे बैठे हम लोग अध्यात्मिक पुण्य कमा रहे हैं, तो थोड़ा खिसक खिसक के, है कि नहीं, तो यहां पर ट्रेन की तरह फैल के नहीं बैठना, मेरी सीट है 700 रुपए नहीं, मैंने साथ ही लेके जाएंगे इसको, ऐसे नहीं बैठना। आप समझ पा रहे हैं लोगों का कैसे उपकार करना चाहिए, लोगों को भला कैसे करना चाहिए, अच्छा बोलकर, उनको कंफर्टेबल रखकर, उनका गुणगान करकर, उनके लिए जगह बनाकर। हमारी मानसिकता इस संसार में रहते रहते इतनी खराब हो गई है कि हम सबको शक्ति दृष्टि से देखते हैं, ये धोखा देगा, ये भी धोखा देगा। चलो मान लीजिए सोच वैसे लो, लेकिन बाद में अगर ठीक हो जाए तो तब तो सेवा करो उसकी, पता नहीं ना किसके माथे में क्या लिखा है। तो अगर हम लोग इस प्रकार कुछ आदतें डाल लें तो हम ही वैकुंठ में आ जाएंगे, समझ लीजिए इतना सुख हो जाएगा जीवन। तो फिर उन्होंने कहा जी हमने तो पहले ही बोला था ये संतान तुम्हारे किस्मत में लिखे, संतान मिल भी गई तो तुम्हारे हर्ष और शोक का कारण बनेगा, उस बच्चे का नाम ही हर्ष शोक था, पहले हर्ष हुआ अब शोक हो गया। तो इस तरह से पूछा गया, फिर आगे क्या हुआ, तूने पूछा इतना दुख क्यों भोगना पड़ा उसको, तो बताया कि एक बार भगवान शिव पार्वती को अपनी जंघा पर बिठाकर ऋषि मुनियों के साथ कथा कर रहे थे। अब ये दृश्य ऊपर से राजा चित्रकेतु ने देख लिया, उड़ते और हंस पड़े। भगवान शिव की क्या स्थिति है, पार्वती की क्या स्थिति है, ये बिना समझे मैं ये देखा कि कथा कर रहे हैं, भूति में उनको बिठाया हुआ। हम लोग सब कुछ भौतिक दृष्टि से देखते ना, उन्हें भी ऐसे देखिए, देखो क्या कर रहे हैं, कृष्ण जब रासलीला करते हैं, देखो इतनी सारी साथ 16,100 रख, इतनी सारी रानियां, तुम हाँ हाँ क्या करते हो, कि हम लोग हाँ हाँ कर रहे होते हैं, वो हमारे लिए नियम नहीं, भगवान के लिए नियम नहीं होते। हम लोग अगर एक के बाद दूसरी पत्नी रख लें तो ऐसे तो एक से लोग जब बताते हैं ना, तो अगर दो रख लें तो दो को कैसे सुखी रखो भाई, लेकिन भगवान तो एक समय में हर एक रानी के साथ रहते हैं, इतना विस्तार करते हैं हर रानी के साथ, 16,108 महल, 16,108 रानियां उसमें, और भगवान 16,108 एक्सटेंशन सब कमरों में, इसलिए भगवान। हम लोग अगर दो पत्नी है, एक यहाँ हो गया, उसे यहाँ खींचा, उसे यहाँ खींचा, कभी यहाँ, एक जगह के ही जगह, लेकिन जब हम कोशिश करते हैं भगवान बनने की तो बहुत मार पड़ती है, कहीं के साथ बहुत बुरी हालत होती है। तो इसलिए इस प्रकार उनको पार्वती जी ने जब ऊपर से हंसे तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम असुर योनि में जाओ, तो इस प्रकार चित्र के तो वृतासुर रूप में आए थे, लेकिन गलती थी, राजा अच्छे थे, तो बाद में भक्ति कर कर भगवान के धाम भी चले। और उसके बाद आगे जो है प्रश्न आया कि भगवान फिर देवताओं का साथ देते हैं, असुरों की पिटाई करते हैं, तो भगवान कहीं ना कहीं क्या है, पार्शलिटी करते हैं, हिंदी में क्या बोलते पार्शलिटी को,
भेदभाव, पक्षपात। तो भगवान पक्षपात क्यों करते? देवताओं की मदद करने के पहुंच जाते हैं। आवाज करिए, साउंड में ना आवाज चली जाती है, सॉरी। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, भगवान जो है तीनों गुणों से ऊपर हैं, उनके लिए किसी का फेवर लेना या फेवर करना वो हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए फिर वो एक सुंदर कहानी कोट करते हैं इस बात का जवाब देने के लिए, युधिष्ठिर और नारद जी की। युधिष्ठिर ने भी पूछा था कि भगवान श्री कृष्ण ने जब भरी सभा में चक्र चलाया और शिशुपाल की गर्दन काट दी, इतना दूषित व्यक्ति था वो, भगवान को गालियां देता रहा, उसके बाद भी वो उसकी आत्मा भगवान के शरीर में चली गई, मुक्ति मिली उसको, इसको ऐसी मुक्ति क्यों भाई? तो उन्होंने यही बोला कि ये शिशुपाल और दंत वक्र जो है, तुम्हें याद है ये जय विजय थे जो चार कुमार भ्रमण करते हुए वैकुंठ चले गए थे, जय विजय ने रोक दिया था उनको, श्राप मिला तीन योनियों में क्या करो जाकर असुर बनो, तो भगवान उन्हीं के उद्धार के लिए नीचे आए। तो पहली योनि में क्या बने वो? हिरण्यकशिपु और हिरणाक्ष। तो भगवान ने वराह के रूप में और नरसिंह के रूप में उनका वध किया। दूसरे अवतार में रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए, तो भगवान राम ने आके उनका उद्धार किया। तीसरे अवतार में दंत वक्र और शिशुपाल के रूप में आए, तो भगवान कृष्ण ने उनका उद्धार किया। तो परीक्षित ने पूछा कि हिरणाक्ष का तो आपने बताया था शुरू में कि वराह ने मारा था, ये हिरण्यकशिपु का क्या सीन था? कहते हैं कि हिरण्यकशिपु, ये कथा आपने सुनी होगी कई बार है ना, तो बताते हैं हिरण्यकशिपु के यहाँ पे जो प्रहलाद थे उनके पुत्र के रूप में, उनकी वजह से जो है भगवान ने अवतार लिया नरसिंह के रूप में। तो बताते हैं ये सब हम जानते हैं कि जब हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की तो बहुत शक्तिशाली हो गए और इन्होंने सब लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया, देवताओं को डराना शुरू कर दिया, तो सारे देवता जो हैं बड़े परेशान थे। तो भगवान ने जब हिरणाक्ष का वध किया तो हिरणाक्ष का वध होने के बाद भाई को बहुत प्रॉब्लम हुई। हिरण्यकश्यपु ने कहा विष्णु ने खत्म किया है ना, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ब्रह्मांड में भटकने लगे, ढूंढने लगे भगवान को, विष्णु कहीं नहीं मिले। जो भगवान है वो तो सबके हृदय में, हिरण्यकश्यपु के भी हृदय में, तो उनको लगा शायद छुप छुप गया मेरे से कि भाग भुगा गया भगवान विष्णु मेरे से डर के। और फिर तपस्या की खूब और शक्ति ले ली और खूब जो है लोगों पर अत्याचार किया, देवता लोग परेशान हो गए, इंद्र इत्यादि गए भगवान के पास कि भगवान कुछ कीजिए। तो भगवान ने कहा मैं शीघ्र ही अवतरित होऊंगा। यदा देवेशु वेदेशु गोशु विप्रसु साधुषु धर्मे मयि चकित विद्वेषा सा एषा विनश्यति। इसका मतलब है भगवान ने देवताओं को कहा यथा देवेशु वेदेशु, जब जब देव मतलब देवताओं पे संकट आता है, वेदेशु वेदों पे संकट आता है, जब चुराली था आई है ना, तो भगवान ने अवतार लेके वेदों को बचाया। देवताओं पे संकट आएगा, वेदों पे संकट आएगा, गोशु गायों पे संकट आएगा, साधुषु विप्रसु साधुओं पे वैष्णवों पे भक्ति करने वालों पे और ब्राह्मणों पर विपरीत संकट आएगा, कोई उनको तंग करेगा, कोई उनको परेशान करेगा, धर्म में धर्म का उपहास करेगा, धर्म का नुकसान करेगा, धर्म में चाहे वही कृत्वा या फिर मेरे बारे में भगवान कह रहे हैं मेरा उपहास करेगा या मेरी निंदा करेगा, तो मैं क्या करूं, मैं शीघ्र अवतार लेता हूं और ऐसे व्यक्ति को
तुरंत खत्म कर देता हूं, उसके पूरे कुल को खत्म कर देता हूं अगर कोई इस प्रकार का गंदा काम करता है। तो सारे देवता खुश होकर चले गए। इधर जो है हिरण्यकश्यप ने खूब तपस्या करी, प्रहलाद जैसी संतान उसकी वाइफ कयाधु के गर्भ में आ गई। इधर प्रसन्नता हुई ब्रह्मा जी को, तो उन्होंने वरदान दे दिया। उसने कहा मुझे वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा ने कहा अमर तो बेटा मैं भी नहीं हूं, मेरे भी 100 साल ही है, बट वो थोड़े लंबे हैं, देखने में अमर लगते हैं, बट 100 साल के बाद मुझे भी जाना होता है, कुछ और मांग लो। तो बड़ा सोचा उन्होंने, कहा ठीक है, न मैं किसी पुरुष से मरूं, ना किसी जानवर के हाथों मरूं, ना देवताओं के हाथों मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना सुबह मरूं, ना रात मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, सारी कंडीशंस मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे कोई इसमें समस्या नहीं है, तथा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कुछ ही मांग लिया। फाइनली गर्भ में प्रहलाद भी थे, तो इधर से इंद्र ने कहा भाई वो तो वहां तपस्या कर रहा है, एक बच्चा और वैसा हो जाएगा तो और नुकसान हो जाएगा, तो इसकी वाइफ को मार देते। तो जब मारने लगे तो नारद जी पहुंचे, नारायण नारायण, पूरे भागवतम में नारद जी जैसे भक्त नहीं, और जितने भक्तों की कथा भी है वो सारे के सारे नारद के ही शिष्य। ध्रुव महाराज नारद के शिष्य, यंगिरा इत्यादि ने नारद जी के साथ उनको दिया, मृगारी का उद्धार करना तो नारद जी, हर जगह नारद जी का इन्वॉल्वमेंट पाओगे। तो फिर उन्होंने क्या कहा, नारद जी पहुंच गए, कहते अरे इंद्र छोड़ दो भाई, कयाधु को क्यों मारते, कहते ये हिरण्यकश्यप की वाइफ है, मारना जरूरी है, बच्चा अंदर है। कहते तुम्हें नहीं पता ये जो बच्चा गर्भ में है बड़ा साधु है भाई, इसके लिए भगवान आएंगे तो तुम्हारा संकट दूर करेंगे। तो नारद जी से एश्योरेंस मिलने पे सब चले गए। और इधर नारद जी कयाधु को अपने आश्रम ले आए और रोज यही भागवत की कथा करते थे, खूब कथा सुनाई। कयाधु सुनते सुनते सो भी जाती थी, प्रहलाद जागा रहता था अंदर, वो कथा पूरी सुनता था। और इस तरह से जब प्रहलाद प्रकट हुए, बड़े हुए, पिताजी ने कहा जाओ इसको स्कूल भेजो पढ़ने के लिए, इसे शिक्षा दो। तो जब छुट्टी में आया बच्चा घर, 5 साल का था, पिताजी ने गोदी में बिठाया और कहा बेटा बताओ क्या सीख कर आए। उसने कहा पिताजी को असुर वर्य देहि नाम, असुरों में श्रेष्ठ आप जो हैं, किसी भी व्यक्ति को गृह अंधकूपम, गृहस्थी में जाने के बाद ना बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, अंधकूप काम रिस्पॉन्सिबिलिटी पैसा इकट्ठा करना, घुसते रहता है खत्म नहीं होता कभी। जिनके पास शक्ति नहीं, जिसमें ज्ञान नहीं, जिसको श्रवण नहीं किया, उसको मालूम ही नहीं, नीचे जाता रहता है। वनोगतम तद हरिमाश्रित, इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, टाइमली रिटायर होकर वनों में जाना चाहिए, वृंदावन चला जाना चाहिए, और वहां क्या करना चाहिए, भगवान हरि का आश्रय लेना चाहिए। कहता है हरि किसके आश्रय की बात कर रहा है, मेरे दुश्मन की, तो शांत रहते हैं और टीचर्स को बुलाते हैं शरण नंबर को, भाई क्या सिखा दिए तुमने, वो लेके जाओ ठीक से शिक्षा दो। फिर ठीक से शिक्षा देते हैं, टीचर कहते हैं भैया क्या सीख लिया तूने, कौन हमारे आश्रम में आता है, कहां से पर्चियां लाता है तू, कहां पढ़ रहा है तू, कौन तुम्हारे को शिक्षा दे रहा है। बेचारा कुछ बोलता ही नहीं। सारे बच्चे कहते भाई हमारा साथ तू क्लास फेलो हमारा, तेरा सब्जेक्ट अलग हमारा अलग, कैसे पढ़ते तो हम इकट्ठे ही हैं। फिर प्रहलाद ने उनको सिखाना शुरू किया, कहते भाई 100 साल का जन्म है, 15-20 खेलते कूदते निकल जाता है, 50% इसका सोने में निकल जाता है, काम धंधे में निकल जाता है, भक्ति कब करोगे, जीवन जो है भक्ति के लिए मिला है, जन्म मृत्यु से बाहर निकलने के लिए।
भगवान हरि कृष्ण कहते यार ये सब्जेक्ट कहाँ पढ़ा तूने? कहते मेरी माँ के गर्भ में सब सीख लिया, नारद जी ने सुनाया था तो मैं सब सीख लिया। तो जब वो देखते भैया तो दूसरे बच्चों को भी बिगाड़ रहे हैं, तो उठा के ले आते हैं नरसिंह के उनके पास, हिरण्यकश्यप के पास, फिर उनको गोदी में बिठाते हैं, कहते बताओ बेटा क्या सीखा? वो कहते क्या सीखा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्षम आत्मनिवेदन नवदा भक्ति, नवदा भक्ति करो, भगवान विष्णु की भक्ति करो, संसार में जन्म मृत्यु से निकलो। उठाकर गोदी से नीचे फेंक देते हैं और उतने क्रोध में होते हैं कि हर प्रकार की यातना देते हैं अपने बच्चे को, अपने खून मार डालो उसको, हाथी के पैर के नीचे डालो, हाथी के पैर के डालते वहां उसकी रक्षा हो जाती है। पर्वतों से सिंहाचलम पर्वत से फेंकवा दिया, विशाखापट्टनम में आज भी, फिर भगवान ने उसकी रक्षा करके नीचे ले आए, समुद्र में फेंक दो, फिर वहां डुबकी लगा के भगवान को उठा लाए, गरम गरम तेल में जलाओ, नहीं हुआ कुछ। होलिका आगे कहते भैया मैं कहते क्या? कहते मैं जो हूं फायर प्रूफ, मुझे अग्नि से कुछ नहीं हो सकता, मैं इसको गोद में लेके बैठी तुम आग लगा देना। ठीक है ऐसी करा, गोद में बैठे लगाई आग, देखो भाई एक बंदा बचा है, आग जैसे नीचे देखा बहन गए, वो राख में तब्दील हो गई, प्रहलाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप रहे, समझ नहीं आया। तो कहने का मतलब है फिर पिताजी को इतना गुस्सा चढ़ा, कहते जरा भाई कौन है तू, कहां से तेरे को शक्ति मिल रही? कहते पिताजी शक्ति तो एक ही है और वही हर जगह भगवान सबको शक्ति दे रहे। कहते कहां है तेरा भगवान? कहते मेरे भगवान तो हर जगह व्याप्त है, मैं हर जगह उनका दर्शन कर सकता हूँ, ऐसी अवस्था थी उनकी। कहते क्या इस खंभे में? कहते हाँ खंभे में। कहते आज तेरे भगवान को खत्म कर देते। तो जैसे खंभे में प्रहार करते हैं भगवान नरसिंह उग्र रूप में बाहर निकला, ऐसा रूप, हाथों के नाखून बड़े बड़े, सर पे शेष और मुख जो है सिंह का, शरीर मनुष्य का, और हिरण्यकशिपु को पकड़ा गर्दन से और उसको खूब पीटा, पीट पीट के शाम होते ही अपनी गोदी में बिठा लिया, ना घर के अंदर ना बाहर दहलीज पे रखा, ना आसमान पे ना जमीन पे घुटनों पे रखा, ना दिन थी ना रात थी, सायंकाल का समय था, न मनुष्य थे न जानवर थे, नर सिंह थे, नर भी और सिंह भी, और न अस्त्र थे न शस्त्र थे, हाथ के नाखून थे, और फाड़ दिया पेट और सारी के सारी उनके इंटेस्टाइन निकाल के गले में डाल ली। इतना क्रोध में थे भगवान की, मेरे भक्त को सताया तूने छोड़ूंगा नहीं, और इस तरह से मार दिया। सब डर गए देवता, पहली बार ऐसा रूप देखा था, कौन जाए माफी मांगे। फाइनली प्रहलाद ने जाके माला पहनाई, भगवान शांत हो गए। ये प्रहलाद ने बाद में पूछा भगवान से, एक अलग ग्रंथ में आता है कि ऐसा कैसे कि मैं असुर कुल में पैदा हुआ और इतना डिवोशन मेरा आपकी तरफ। तो नरसिंह भगवान ने कहा भाई पिछले जन्म में ना तुम्हारा नाम वसुदेव था, वासु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था, बहुत अच्छा ब्राह्मण था, पांच पुत्र थे, तुम सबसे छोटे थे, चार बहुत अच्छे थे, तुम नालायक थे, और तुम किसी वैश्य के चक्कर पड़ गए थे, और इस तरह से यही सब चलता रहा, तुमसे कई अपराध हो गए, एक दिन तुम्हारी उस वैश्य के साथ लड़ाई हो गई, उस दिन घर में चूल्हा जला ही नहीं, वो उधर सोती रही तुम उधर लटके रहे, रात भर तुमने बात नहीं करी, खाना नहीं खाया, पूरी रात ऐसे निकल गई। सुबह हुई तो हुआ क्या, वो जो रात थी ना, वो जो पिछला दिन था, वो नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, जिस दिन भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे वो दिन था, जिस दिन मैं आया था वहां, और उस दिन तुमने गलती से व्रत रख लिया, कुछ खाया नहीं कुछ पिया नहीं, उसका फल ये हुआ कि तुम्हारी पत्नी भी खाया पिया नहीं, उस वैश्य को भी स्वर्ग में अप्सरा का रूप मिला और तुम्हें भी प्रहलाद का जीवन मिला। तो कोई पूछ सकता है प्रहलाद नरसिंह पहले आ गए, प्रहलाद का जन्म बाद में मिल रहा, ऐसा क्यों? तो बताते हैं हमारे आचार्य लोग कि प्रहलाद तो शाश्वत भक्त है भगवान के,
लेकिन जो ये वासुदेव था, जो ब्राह्मण का पुत्र था, क्योंकि नरसिंह चतुर्दशी में इसने व्रत रख लिया था, तो उसको जो है अगली लीला में प्रहलाद के शरीर में ही स्थान मिला मुक्ति के लिए, और इस प्रकार उनका उद्धार हुआ। प्रहलाद तो वही थे बट उनको भी शरीर मिल गया, कहते तो इस तरह से तुम्हारा उद्धार हो रहा है। तो बोलो भक्त प्रहलाद की, नरसिंहदेव भगवान की। तो इस तरह से ये नरसिंह भगवान के बहुत सुंदर सुंदर चैप्टर्स हैं जो इस तरह से सप्तम स्कंद में ये सब डिस्कशन होता है, और उसके बाद आठवां स्कंद आता है जिसके बारे में मनवंतर कथा। मनवंतर स्थानम हो गया पंचम स्कंद में, पोषणम उतया, तो पोषण हुआ छठे स्कंद में, इसका पोषण हुआ अजामिल का पोषण हुआ, और उतया अलग अलग शुभ और अशुभ कार्य हुए जिसकी वजह से पूर्व जन्म में सप्तम स्कंद में भक्तों की रक्षा हुई। आठवां जो स्कंद है यह है मनवंतर का, क्योंकि मनु के जीवन का पूछा था तो उससे और प्रश्न आए, तो फिर बताया गया कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, जैसे हमारे एक दिन में 12 घंटे होते हैं, तो समझ लीजिए ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 घंटे होते हैं। लेकिन जो ब्रह्मा जी के दिन में जो 14 मनु होते हैं, एक एक मनु की जो उम्र है 71 चतुर्युग है। 71 चतुर्युग का मतलब सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चार बीतने पर एक चतुर्युग बीतता है। तो ऐसे जब 71 बीत जाते हैं तो एक मनु का समय पूरा होता है, फिर दूसरा मनु आता है, उसमें भगवान का अवतार होता है, इंद्र दूसरे होते हैं, सप्तऋषि दूसरे होते हैं। तो भागवतम के आठवें स्कंद में यही सब बताया है। यज्ञ के रूप में स्वयंभू मनु, तो ये स्वयंभू मनु है ये पोस्ट है, लेकिन जो व्यक्ति है उसका नाम यज्ञ है, या यूं कहें जो यज्ञ अवतार हुआ था उसमें हुआ था। विभू के रूप में स्वरोचिष मनु दूसरे मनु थे। सत्यसेन के रूप में उत्तम मनु, हरि के रूप में तामस मनु, वैकुंठ के रूप में रेवत मनु, अजीत के रूप में चाक्षुषा मनु, जो छठा मनुअंतर है। व्यवस्वत के रूप में वर्तमान जो चल रहा है इस समय, ये सातवां मनु चल रहा है व्यवस्वत के रूप में, व्यवस्वत मनु इस बार है। सार्वभौम के रूप में सार्वणी मनु, अगला जो मनु होगा वो सार्वणी मनु है। तो इस तरह से 14 मनु है, और इसमें अलग अलग मनुओं में अलग अलग भगवान के अवतार और अलग अलग लीलाएं हैं। जैसे गजेंद्र मोक्ष, जिसमें एक हाथी और एक मगरमच्छ का युद्ध दिखाया है, और जब बहुत मुश्किल हो गया गजेंद्र का छूटना, पिछले जन्म की सुकृतियां याद आई तो भगवान की प्रार्थना शुरू कर दी, और भगवान भी जो है अपने गरुड़ पर बैठ के तुरंत पहुंचे। उनको लगा गरुड़ धीरे चल रहा है, उससे नीचे कूद गए अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, और सबसे पहले सुदर्शन चक्र मार के उस ग्रह को काटा, गर्दन काटी और अपने भक्त बचा लिया। उसने प्रातः में ही बोला, ये मेरी मोटी बुद्धि, मेरा मोटा शरीर, क्या फायदा ऐसे शरीर का। खूब प्रार्थनाएं करी थी, और उन प्रार्थनाओं के बाद उन्होंने ही कहा कि मैं इनसे मुक्त होना चाहता हूं। और ये जो दोनों के बारे में बताएंगे, जो ग्रह थे, जो मगरमच्छ थे, वो हुहू नाम के एक गंधर्व थे पिछले जन्म, और देवल मुनि के श्राप से उनको ये बनना पड़ा। और जो गजेंद्र थे वो इंद्रदुम्न नाम के द्रविड़ देश के पांड्य राज के पांड्य वंशी थे, पांडव वंशी, और वो भी राजपाट छोड़कर वनों में चले गए तप करने।
तो जब अगस्त मुनि वहां आए और उन्होंने देखा कि तप कर रहे हैं, राजपाट छोड़ के, घर गृहस्थी छोड़ के तप कर रहे हैं, तो उनको लगा पता नहीं कितने सीरियस हैं, तो उनको लगा इनको मेरा वेलकम करना चाहिए था, मैं आया हूं तो इतने भी एटिकेट नहीं है इनको तपस्या में बैठने जाना मुश्किल, और उस श्राप दे दिया कि तू मोटी बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, तू हाथी बन जा, तो उनको हाथी का श्राप दिया था। तो यही दोनों लड़े आपस में। इस तरह इस मनमंत्र में बहुत सी कथाएं आती हैं, और इसमें एक मनमंत्र में कथा आती है समुद्र मंथन की भी, और समुद्र मंथन के समय कथा कई बार सुनी होगी तो हम अभी उसको इतना ज्यादा टच नहीं करेंगे। और फिर इसके बाद नवम स्कंद आता है ईशानु कथा, और इस स्कंद में बहुत सी कथाएं आती हैं जिसमें परिवार के चंद्र सूर्य वंशज बताए जाते हैं काफी, और बताया जाता है कि किस प्रकार भगवान श्री राम के पूरे पूर्वजों का वर्णन मिलता है, कौन कौन उसमें आया। और इस तरह से जब भगवान राम की बारी आती है तो भगवान राम की भी कथा शुरू हो जाती है, और भगवान राम की कथा हम सब जानते हैं कि अभी रामायण, अभी रामनवमी गई भी है, और राम एक ऐसे चरित्र रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, रावण ने, कुंभकर्ण ने, विभीषण ने जो तपस्या की थी सबको वरदान मिला था, शक्तिशाली हो गए थे, लेकिन वरदान में यह मांगा कि ना देवताओं से मरूं ना गंधर्वों से, कोई मुझे मार ना सके, रावण का भी ये भाव था, और शीश काट काट के उन्होंने बोला था, तो 10 के 10 शीश वापस लगा दिए और कहा इनसे ना मरूं, लेकिन मनुष्य शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, और मनुष्य को कुछ खास समझते भी नहीं थे, उनको लगा था ऐसे नहीं छोड़ दूंगा मसल के मसल, मनुष्य क्या है। इसलिए रावण और कुंभकर्ण का वध करने के लिए भगवान मर्यादाओं में रहते हुए एक साधारण से दिखने वाले मनुष्य के रूप में आए, और दशरथ 3-3 पत्नियां होने के बावजूद घर में कोई संतान नहीं थी, एक पुत्री थी भी तो अपने दोस्त को दे दी रोमपाद को, रोमपाद के राज्य में इतना भीषण भूकंप आ गया, अकाल पड़ गया कि खाने के लाले पड़ गए, तो रोमपाद को लगा मुझे यज्ञ करना चाहिए पुत्र के लिए, मतलब कोई यज्ञ करना चाहिए, तो कहते यज्ञ कौन करेंगे, कहते यज्ञ जो है आप तभी फायदा होगा जब दशरथ ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, मुझे यज्ञ करना है, तब उन्होंने बताया कि आप रोमपाद जो है उसके यहां भी अकाल पड़ा हुआ है, वो भी अकाल तब खत्म होगा जब वो अपनी बेटी शांता का विवाह ऋषि सिंह से कराएंगे। ये कैसे ऋषि हैं जिनके सर पर सिंह निकला हुआ है, और जंगल में इनके पिताजी ने उनको अकेले पाला है, उसने आज तक दूसरा पुरुष स्त्री नहीं देखी, अगर तुम किसी तरह उसको ले आते हो और अपनी पुत्री से विवाह करा देते हो तो तुम्हारे यहां का अकाल खत्म हो जाएगा, और दशरथ अगर उसको अपने राज्य में ले आकर यज्ञ करे तो उनको पुत्र मिल जाएंगे, लेकिन बड़ी सावधानी से लाना बता रहे हैं, उनके पिता को बताते हैं कि शाप आप दे देंगे, तो जो पिता कहीं बाहर जाते हैं तो अपने राज्य की रोमपाद जो है कुछ सुंदर स्त्रियों को भेजते हैं, दासियों को भेजते हैं, जंगल में पूरा सेटअप लगा देते हैं, और फिर वो खेलती कूदती उसके घर के पास जाते हैं, ऋषि सिंह पहली बार देखते हैं, उनसे मिलते हैं, वाणी सुनते हैं, वो छूते हैं, वो उनको छूती हैं, कुछ ना कुछ खिलाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, कहते कल तुम हमारे घर आना, तो वो उनके घर चला जाता अगले दिन उसी जगह पे सेटअप में, हैरान हो जाता है, वो सब कुछ लड़कियां उठाती हैं, अपना विमान निकालती हैं, इसको लेके सीधा रोमपाद के महल में, और उसकी बेटी से उनके कमरे में छोड़ देते हैं, रोमपाद की बेटी शांत, और इस प्रकार उससे उसका विवाह करा देते हैं, लेकिन कहते हैं भाई मुझे माफ कर देना, तो वो छुपके से लाए यहाँ पे, धोखा दे के लाए, तुम्हारे पिताजी को पता चलेगा, श्राप आप दे देंगे, माफ कर देंगे, कहते कर दिया माफ। इतने में दशरथ जी आते हैं और कहते हैं बेटा मैं तुम्हारा असली ससुर नहीं हूं, तुम्हारे असली ससुर तो दशरथ जी, दशरथ जी इस शांता के असली पिता हैं। ओके, कहते इनका एक काम है, कहते क्या, ये पुत्रेष्टि यज्ञ करना चाहते हैं, अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं,
पुत्र की प्राप्ति के लिए। कहते मैं करवा दूंगा, तो करवाया। अश्वमेध यज्ञ खत्म हुआ तो उन्होंने कहा बेटा कि एक यज्ञ और कर लो, पुत्रेष्टि यज्ञ। फिर वो भी करा गया। यज्ञ से एक देव निकला, हाथ में खीर का कसौला लिए, दशरथ के हाथ में दिया, कहा तीनों पत्नियों को खिला दो। तो एक को आधा खिलाया, एक को एक चौथाई खिलाया, एक को और खिलाया, तो बाकी बचा हुआ एक और खिला दिया। तो कौशल्या को हुए भगवान श्री राम और सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न और केकई को भरत। ऋषियावती रामचंद्र भगवान की। तो भगवान राम अवतरित हुए घर में खुशियां लंबे समय बाद, और फाइनली उनको गुरुकुल भेज दिया गया पढ़ने के लिए। चारों भाई पढ़ लिख रहे थे, 16 साल लग गया था। दशरथ कहते कि मेरे बच्चे आ रहे हैं तो उनकी शादी वादी भी करवानी है। इतने में बच्चे जैसे घर पहुंचे, कुछ दिन हुए थे कि वो पहुंच गए विश्वामित्र जी वहां पर। और विश्वामित्र जी ने कहा राजन, कहते आइए, बोलिए क्या चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों को जो भी मांगे देना होता है, सेवा करनी होती है। कहते जो भी बोलेंगे हम आपका पूरा करेंगे, बताइए ना। कहते आपके पुत्र चाहिए राम और लक्ष्मण, मैं उनको साथ ले जाना चाहता हूं। जंगल में जो है कई लोग हमें परेशान करते हैं। दशरथ जी गिर गए धड़ाम, मेरे बच्चे बोले इतना प्यार करते थे, आंखें खुली देखा यहीं पर है, सपना नहीं है। फिर गिर गए धड़ाम, फिर पानी डाल के उठाया, कहा मैं नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी ने कहा भाई साहब दे दो, विश्वामित्र जी हैं, क्रोधी हैं, कुछ उल्टा बोल देंगे सब खत्म हो जाएगा। 10 दिन के लिए तो मांगा है, दे दो। रोते रोते दे दिए बच्चे। 10 दिन तक जंगलों में घूमे, ये ट्रेनिंग थी, 10 दिन की ट्रेनिंग 14 साल से पहले वाली की। और जब वहां गए तो ताड़का का वध किया, उसके बारे में पूछा कौन थी क्या थी, तो खूब बताया। और इस तरह से 10 दिन बाद घूमते घूमते जनक के यहां पहुंच गए। राजा जनक के यहां पता चला स्वयंवर। राजा जनक ने कहा हे विश्वामित्र, तुम आए हो, बड़ी अच्छी बात है, मैं तो बड़ा परेशान हो गया लड़ लड़ के राजाओं से। कहते क्यों? कहते बेटी मेरी सीता जो है, जो मुझे खेत जोतते हुए एक बॉक्स में मिली थी, तो सीत से कटा था, लगा था, तो हमने सीता नाम रख दिया। बड़ी सुंदर, बड़ी भाग्यशाली बेटी है। एक दिन मैंने देखा खेलते खेलते इसने शिव का धनुष उठा लिया। मैंने कहा हे भगवान, जिस धनुष को 400 लोग खिसका पाते हैं, उठा नहीं पाते हैं, इसको ये लड़की ऐसे उठा लेती है, तो कम से कम पति वो होना चाहिए जो इसकी प्रत्यंजय चढ़ा दे भैया, है ना। शादी ऐसी होती है ना, लड़की अगर 8वीं पास तो लड़का कितना होना चाहिए, 10वीं 9वीं कहते हैं। लड़का अगर, लड़की अगर 2 घर के कमरे में रहती है तो लड़के का घर कमरा कम से कम 3 का होना चाहिए। ये प्रथा नहीं है लेकिन जनरली ऐसा करते हैं। लड़की को मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, किसी भी अवस्था में रहे, पति जैसे भी रखे हमें रहना चाहिए। मैं 2 में रहती थी, हमेशा ताने ना मारते रहे, लेकिन मैंने घी खाया है और तुम यहां डालडा खिला रहे हो, है कि नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा। फिर भी तो उनको लगा कि भैया पति ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। तो कहते जिस जो लोग राजा आए इस धनुष को हाथ में नहीं लगा पाते थे, हार जाते थे बेचारे, वापस मेरे पे आक्रमण कर देते थे, तुम्हारी बेटी हम शादी करेंगे, मैं लड़ लड़के थक गया इन लोगों से। कहते चिंता मत करो, मेरे साथ ये 2 बालक और आए। कहते तो बालक है भाई, ये क्या उठाएंगे। उन्होंने प्रणाम किया, आज्ञा ली, धनुष को ऐसे उठा लिया भगवान राम। बोलो जी अब रामचंद्र भगवान की। उसकी टूटी पतंजलि को लिया और ऐसे चला के छोड़ दिया, अभी नहीं छोड़ा, मुहूर्त तोड़ भी दिया। कहते लो खत्म, तुम्हें लग रहा है उठा नहीं पाएंगे, हम तोड़ भी सकते हैं। तो बस बिगुल बज गए। कहते बुलाओ भैया, बुलाओ दशरथ जी को, बुलाओ सबको, लेकर आओ, शादी कराएंगे, प्रॉपर स्वयंवर करेंगे। सारे आ गए, खत्म कराएंगे। तो इस तरह से
दशरथ जी अपने कुल के बारे में बताने, जनक जी अपने कुल के बारे में बताने लगे, है ना, हम ये हम वो, हमने ये किया हमने वो किया। फाइनली उन्होंने कहा कि भैया हमारी एक बेटिया और है और हमारे भाई की दो बेटिया और हैं, चार हैं, तुम्हारे यहाँ भी चार हैं, है कि नहीं, तो सबकी करा दे इकट्ठी। कहते हाँ जी करा दो, तो सबकी हो गया, तो कितना बढ़िया रिश्ता हो गया। वापस जाते हुए परशुराम जी ने खबरदार तुमने धनुष तोड़ा है, तो फिर उनका भी जो है अहंकार खत्म किया, है तो भगवान की अवतार लेकिन लीला थी। दशरथ जी डर गए परशुराम को देख के, यह हालत थी, लेकिन फिर भी भगवान राम ने उनका संपरावर कर दिया। हम सब जानते हैं उसके बाद मंथरा की एंट्री होती है जब भगवान राम का राज्याभिषेक होना होता है। अब यहां पे सीखने वाला क्या है काम, मंथरा को एक रात पहले पता चलता है छत में देख करके क्या बैंड बाजे बज रहे हैं, क्या तैयारी हो रही है, और मंथरा को देवताओं ने भेजा पिछले जन्म में, इसका भी कुछ ना कुछ चक्कर होता है, इसलिए यहां ही होती है सब कुछ गड़बड़ करने के लिए। और फिर केकई के पास जाती है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू खुश है, राम का राज्याभिषेक हो रहा है। कहती तो क्या दिक्कत है, राम के तो हो रहे हैं, बहुत सुनाती है उसको, बार बार बोलती है तो निकम्मी है, तेरे को समझ नहीं आती, कल को राम का हो गया तो भगवान जो तुम्हारे दशरथ है ना, ये कौशल्य के साथ ही रहेंगे, तेरे साथ नहीं रहेंगे, तेरे को जीवन भर दासी बना के रखेगी कौशल्य, और तेरा बेटा वो उसका नौकर बन के रहेगा। धीरे धीरे समझ आने लगता था, तो हाँ कुछ तो समझ आ रहा है, और बता भाई साहब, इतना प्यार करती थी कि कहीं राम से, 27 वर्ष की उम्र हो चुकी थी भगवान राम की, 27 साल का प्यार मंथरा ने केकई का 27% का संग दिया, केवल 27 मिनट का संग दिया उसको, उसकी बुद्धि बदल दी और कहा दो वर मांग ले। इसलिए हमें भी देखना चाहिए हमारे जीवन में कई ऐसी सहेलियां होंगी, ऐसे दोस्त होंगे जो हमें धर्म पे लगने से रोकेंगे, क्या पड़ा है कथा में, क्या रखा है, ये ऐसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं, सब पैसे का मामला है, कुछ नहीं होने वाला, अपना खाओ पियो, यही भक्ति है ना, ज्यादा नहीं करना चाहिए, ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, घर में रहो, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, मिलते हैं कि नहीं, जो तुम्हें पीछे से खींचेंगे, अरे कहाँ जा रही है, किए ये भक्ति तू ही सी, ये कोई उम्र है भक्ति करने की, भक्ति की उम्र कब है, जब बूढ़े हो जाए तब करो, बिल्कुल नहीं करने देंगे, अच्छा काम बिल्कुल नहीं कर देंगे, जो अच्छा काम करने दे उसको सहयोग करे, उसमें घसीटे आपको, वो आपका अच्छा दोस्त, और जो पीछे खींचे उससे दूरी बना के रखे, गाड़ी के पीछे ना उचित दूरी बनाए रखे तो उचित दूरी बना के रखे ऐसे लोग। तो इस तरह से हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से दो वर मांग लिए गए, दशरथ जी का रो रो के बुरा हाल, प्राण त्याग दिए राम ने अपने उन वचनों को पूरा करने के लिए, पिता को दिए गए वचनों को पूरा करने के लिए, कहा तुम भरत को दे दो सिंहासन, मैं चला वन के अंदर। सीता ऐसी पत्नी, उसने अपना बैग उठाया, अपने जनक के यहां चली गई कि मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं था। सीता ने तो क्या कहा कि आप मेरे पति हैं, आपका सुख, आपको जो यातना मैं भी सहन करूंगा, खूब मना करने की कोशिश, जंगल में जानवर होंगे, ये कहते कोई दिक्कत नहीं, आप हो ना, खाने पीने को नहीं, हमेशा तुम रानी की तरह रही, कहां सोओगी, कहते कोई बात नहीं, जैसे आप सोए मैं सो लूं। लक्ष्मण को बोला तुम घर का ध्यान, कहते मैं नहीं, मैं आपके साथ चलूं, कहते तुम्हारी भी शादी नहीं हुई, तुम घर में, कहते नहीं भैया मैंने आपके बगैर तो कुछ देखा ही नहीं कभी, खाना पीना सोना हमेशा आपके साथ किए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। उर्मिला ने कहा तुम जाओ साथ, नहीं तुम इधर आ जाओ, तुम्हें क्या पड़ी उनके जाने के लिए, पत्नी ज्यादा ऐसे करती है कई बार ना, श्राप उसको मिला है, वरदान उनको पूरे करने हैं, तुम इधर चलो, चलो गुड़िया कुंडी लगाते तू घर के, इनको निकलने मत दिए, है ना, ऐसे होता है। उर्मिला ने लक्ष्मण को दिया, कभी सोई नहीं, आंख तक नहीं बंद करी, लेटी भी होगी तो जमीन पर, ऐसा त्याग, इसलिए इनकी पूजा की जाती है, इनसे सीख ली जाती है, पूरा का पूरा रामायण घर में जीवन में उतारने के लिए। और फिर हम जानते हैं कि
ये लोग चले गए, पूरे की पूरी प्रजा साथ में चली गई, अयोध्या खाली हो गया, हम राम के साथ जाएंगे, हमें नहीं रहना है अयोध्या में, हमारे लिए तो राम ही अयोध्या है, साक्षात धाम है, अब कोई वापिस ना जाए। राम रात को सोते हुए सब छुपके से निकल गए। फिर सुमंत्र को कहा तुम भी जाओ भैया वापिस। कहते मैं कैसे जाऊंगा, लोग मेरे से पूछेंगे राम को कहां छोड़ा है। किसी तरह वापिस गए, भरत वापिस आ गए किष्किंधा से, अपनी माँ के बारे में पता चला, उल्टा तूने ये किया वो किया, खूब सुनाई। सुमंत्र ने कहा भैया तुम्हारे भाई ने बोला था माँ के साथ व्रत हम मत करना, माफ कर देना। कैसे कैसे करूं, मंत्रा को भी लात मारी शत्रुघ्न ने, इस बुढ़िया की वजह से सब कुछ टूटा है, सब कुछ खराब हुआ, तो सारी कथा हम जानते हैं। लेकिन इन प्रसंगों से ये समझना और ये सीखना कि किस प्रकार सीता की पतिव्रता भक्ति, उसकी आंच बचा के रखी, उसकी लाज बचा के रखी, उनको आज भी पूजा जा रहा है। इसलिए हनुमान जैसे भक्त मिले जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर करके सीता की सुध लेने के लिए उतना बड़ी चंप लगाई, सो योजन की। लक्ष्मण जैसे भाई, भाई के लिए कुछ भी करने को तैयार। भरत ने सिंहासन ही स्वीकार नहीं किया, कौशल्या मिली तो उसको लगा, कहती कर लो सिंहासन, आसन ले लो, तुम हो गई तुम्हारी मंशा पूरी। कहते मां मैं ऐसा नहीं हूं, मुझे नहीं चाहिए, मैं भाई के भाई को दिलाना चाहता हूं, रो रो के बुरा हाल भरत का। तब कौशल्या को लगा ये ठीक है, सारी प्रजा के सामने बोला मुझे नहीं चाहिए सिंहासन, मैं राम को ही चाहता हूं। तब जाके प्रजा खुश हुई। भाई को लेने के लिए पीछे चल पड़े तो गुहा मिले, दो तीन लोग मिले, उनको भी लगा यही है वो भरत जिसकी वजह से भगवान राम को यहां आना पड़ा। मिल गया तुम्हें सिंहासन। अरे कहता भाई मेरे को नहीं चाहिए सिंहासन, मैं राम का दास हूं, मैं राम का दास। दूर से सेना लेके आ रहे थे तो लक्ष्मण को लगा आगे देखो हमें यहां भी जीने नहीं देता, भैया मैं तलवार निकाल रहा हूं और मैं तीर निकाल रहा हूं आज ही खत्म कर। कहते रुको भाई क्या है, भाई है हमारा, आने तो दो। फिर आते हैं तो पता लगता है कि ये तो चाहते हैं वापस जाऊं। राम ने कहा वापस जाने के अलावा कुछ भी मांग लो। भरत की हालत खराब, रो रो वापिस चलना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा आपके बगैर। इतने तर्क देते हैं दूसरे को, देवता लोग ऊपर से हंस रहे, वो फूल फेंकते हैं, कहते देखो क्या भाई है। वो कह रहा सिंहासन प्राप्त करो, कहते मुझे पिता की आज्ञा पालन करना। इतना देर तक उनका संवाद चलता है, फाइनली भरत को ही हारना पड़ता है। और उनकी पादुकाएं, कहते पादुका से प्यार रखी, प्यार रखते अपने सर पे लेते, कहते मैं शासन नहीं करूंगा, ये पादुकाएं आपके सिंहासन शासन करेंगी, मैं जटा बनाकर ऐसा वेश बनाकर साधु वेश मैं बाहर रहूंगा, राज्य के बाहर रहूंगा, राज्य के बाहर रहे 14 वर्षों तक। ये है भाई, यहां तो भाई ने भाई का किया कत्ल, पत्नी ने यार के साथ मिलकर पति को उड़ाया, यहाँ पिता ने अपने बेटे को जहर खिलाया, ये खबरें सुनने को मिलती। ये है कलयुग। बोले हरे कृष्ण। तो इस कलयुग से बाहर निकलना है, जितना संग करेंगे भगवान का उनके नामों के द्वारा उतने जल्दी पवित्र होंगे। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र अपने जीवन में याद कर लीजिए, इस मंत्र का निरंतर जप करना शुरू कीजिए। आज हम माला नहीं लाए हैं लेकिन कल हम आपको माला देंगे, ठीक है, नाम जपने वाले, और कुछ पुस्तकें भी लाएंगे। तो आप लोग उत्साह के साथ कल भारी संख्या में आइए, हम यहाँ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे कि भोरगढ़ में घर घर में माला, भोरगढ़ का हर व्यक्ति भक्त, भोरगढ़ का हर व्यक्ति माथे में तिलक लगाने वाला, हर व्यक्ति वैष्णव। और इस प्रकार से भोरगढ़ को ही वृंदावन बनाएंगे। बोले हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्षमा चाहते हैं थोड़ा लेट हो गया। क्या लाए भाई?
कोई प्रश्न है किसी का? वैसे मेरे पास एक प्रश्न आ गया। ओके, तो प्रश्न है कि हमें भगवान कृष्ण की ही पूजा क्यों करें? और भी अवतार हैं, और भी देवी देवता हैं, उनकी क्यों ना करें? तो जैसे हमने दो दिन पहले ही बताया था, यथा करोर मूले निषेचनेना त्रितम तृप्तिं तितप भुजोपशाखा, जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से सारे तने को, शाखाओं को, टहनियों को, पत्तों को, फलों को और फूलों को पानी मिल जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से भगवान के सारे अवतार और 33 करोड़ देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाकर क्या कहा? ये सारी मेरी विभूतियां हैं, जितने भी देवी देवता, ये कोई और नहीं दिखा सकता। जिस प्रकार देश में प्रधानमंत्री हैं, सारी शक्ति उनके पास है, फिर उनके पास कैबिनेट मिनिस्टर हैं, फिर एमपी हैं, फिर एमएलएज हैं, फिर काउंसलर्स हैं, ये सारे उनके अंग हैं समाज में नीचे काम करने के लिए, ऑर्डर ऊपर से आता है। लेकिन अगर किसी की डायरेक्ट जान पहचान प्रधानमंत्री से है तो उसको किसी अलग से डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत है नहीं, सारे डिपार्टमेंट उसके घर ही आ जाएंगे। इसलिए हमें बुद्धिमानी से भक्ति करनी चाहिए, हमें किसी देवी देवता का अनादर नहीं करना चाहिए, सबको रेस्पेक्ट देनी चाहिए, सबका आदर करना चाहिए और भक्ति भगवान कृष्ण की करनी चाहिए। जैसे लड़की शादी करके अपने घर आती है, नए घर आती है, तो लड़की सबको सम्मान देती है, ससुर जी को सम्मान, ताया जी को सम्मान, देवर को सम्मान, सास को सम्मान, ननंद को सम्मान, है ना, उनके मित्रों को, संबंधी को, सबको सम्मान आदर, सबकी सेवा करते हैं। लेकिन अपने को पूरी तरह से शरणागति समर्पण अपने पति को ही करते हैं। तो कृष्ण हम सबके क्या हैं? पति हैं, आराध्य देव हैं। तो समर्पण किसको करना है? कृष्ण को। लेकिन सम्मान और आदर सबका करना। समझ आ गया? कोई और प्रश्न है किसी का? है प्रश्न? प्रश्न है? अच्छा, सूचना है। ओके, आपके कोई प्रश्न हुआ करे ना तो आप कागज पे लिखकर ला सकते हैं, उर्दू का इस्तेमाल कर सकते हैं, तमिल और कन्नड़, और चौथी भाषा मलयालम, और पांचवी है पंजाबी। इन 5 भाषाओं में देना, ठीक है? अब बोलिए ना, साफ साफ मना कर दो, नहीं पढ़ हिंदी में, हिंदी में, इन भाषा, मैं क्या हिंदी में दे सकते हैं, इन भाषा में पढ़ नहीं सकते।